सर्वेभ्यः नमस्कारः संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगरम संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम अहमदाबाद संस्कृत अकादमी इत्येतेषां संस्कृतो संयुक्तोपक्रमेण आयोजितेस्मिन् संस्कृत साहित्य रसास्वाद कार्यक्रमस्य तृतीये व्याख्याने अहम् ऋषिपुरोहितः भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। आगच्छन्तु वयम् अस्माकं कार्यक्रमस्य आरम्भः वेदपाठेन कुर्मः। हरिः ओम् आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम राष्ट्रे राजन्याः शूर इखव्यो दिव्याधीमहारथो जायतान्दोग्ध्रीधे निर्वोढा नर्वानाशुः सप्तिः पुरन्ध्रजोघा जिष्णुरथेष्ठाः सभे योजुवास्य जजमा नस्य वीरो जायतान्निकामे निकामे नः परजन्यो वरेखतु फलवत्यो न ओखधयः कल्पताम्। अस्माकं परमं सौभाग्यम् अस्ति यत् अद्य कार्यक्रमेस्मिन् आदरणीयाः पद्मश्री विष्णुपण्ड्या महाभागाः, आदरणीयाः डॉक्टर अनिलजा महाभागाः, आदरणीयाः डॉक्टर भावप्रकाश गांधी महाभागाः च उपस्थिताः सन्ति। एतेषां महानुभावानां परिचयं स्वागतं च कर्तुम् अहं कार्यक्रमस्य संयोजकं श्री डॉक्टर मेहर उपाध्यायं प्रार्थयामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य अस्माकं संस्कृत साहित्य रसास्वाद कार्यक्रमस्य तृतीये व्याख्याने परमादरणीयाः पद्मश्री विष्णुपण्ड्या महाभागाः उपस्थिताः सन्ति इति अस्माकं कृते महत् सौभाग्यम्। तेषाम् अतीव व्यस्तता भवति, समग्रे गुजराते तेषां प्रवासः। एतदस्माकं तृतीयं निमन्त्रणम् अस्ति अने अद्य सुयोगः यद्वयं तैः सह स्मः। महोदयस्य परिचयः विस्तृतः अस्ति। साहेबने आपणे लेखक तरीके विवेचक तरीके हमेशा लेखक तरीके वाँच्या छे, विवेचक तरीके जुदा जुदा चलनना माध्यमथी जोया छे। तेओ श्री साहित्यकार, कवि, वर्णनकार, एमनु जो व्यक्तित्व जे छे ए शब्दना उपासकनु व्यक्तित्व छे। संप्रति गुजरात साहित्य अकादमी संस्थानस्य अध्यक्षाः, येषां प्रयत्नेन अस्माकं एषः कार्यः प्रचलति। पत्रकार, चरित्रलेखक, कवि, नवलकथाकार, लेखक, राजकीय विश्लेषक अने इतिहासकार, आटला विषयोनो साहेबनो परिचय छे। पत्रकारत्व क्षेत्रमां 40 वर्षथी सुदीर्घ सेवा एमणे आपी छे अने ऑफ द रेकॉर्ड घणा बधा नेताओ पण एमनुं मार्गदर्शन लेता होय छे। 75-76 बराबर कटोकटीनो समय जारे हतो ए वखते एमने कैद करवामां आव्या। कटोकटी आपणे बधा परिचित छे अने ए वखते एमणे पहेलुं पुस्तक हथेळीनुं आकाश ए लख्युं हतुं अने ए वखते गुजरात सरकार द्वारा एमने माटे पारितोषिक एनायत थयो पण एमणे ए वखते एमनो स्वीकार नहोतो कर्यो। त्यारबाद 1991 गुजरातना स्वातंत्र संग्रामनो इतिहास जे बहु ज मोटुं काम એમણે કરેલું અને એમને માટે નર્મદ સાહિત્ય સભા તરફથી નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક એમને અર્પણ કરવામાં આવ્યો। આવા ઘણા બધા એવોર્ડ્સ છે પણ મેં મુખ્ય મુખ્ય એવોર્ડ્સની વાત કરું અને 2017ની અંદર અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત પદ્મશ્રી એવોર્ડથી એમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું। તો એવા વિદ્વાન વિષ્ણુ મહોદય આપણી સામે છે। આ ઉપરાંત એમના પુસ્તકોની આવલી સુદીર્ઘ છે। વન સ્કાય થ્રી રિવર્સ, એકાત્મ માનવવાદ, મહાન ક્રાંતિકારી લાલા હૃદયાળ, અટલ બિહારી વાજપેયીની કવિ અને કવિતા,
ક્રાંતિની ખોજમાં પંડિત શ્યામ મુખર્જી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, ગાંધી, સુભાષ અને સરદાર, શહીદ કથા, સ્વમુખે વિમલાજી, આવા અનેક પુસ્તકોનું લેખન આદરણીય પંડ્યા સાહેબે કર્યું છે. અને આનંદની વાત છે કે અત્યારે સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીની અંદર આવેલા ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી, ઉર્દુ સાહિત્ય અકાદમી, ઘણી બધી અકાદમીઝ છે, એના અધ્યક્ષ તરીકે તેઓ સુચારી રીતે સંચાલન કરી રહ્યા છે અને એનો આપણને પરિચય પણ બધે મળી રહ્યો છે. તો વયમ ઉપકૃતા સ્મઃ આદરણીય પંડ્યા મહોદય, અહમ ભાવના રાવલ મહોદયમ પ્રાર્થયામી યત તુલસી દલેન તુલસી સસ્યેન મહોદયસ્ય સ્વાગતમ કરોતુ, એષા અસ્માકમ પરંપરા અસ્તિ યદ વયમ તુલસી દલેન સ્વાગતમ કુર્મઃ. ભાવના ભગિની ચિત્રમ ચિત્રમ અપિ અસ્તિ. સાહેબ ખૂબ ખૂબ આપનો ધન્યવાદ. અદ્ય દ્વિતીયમહં પરિચયમ કારયામિ ડોક્ટર અનિલ ઝા, હૃદય રોગ વિશેષજ્ઞઃ, કાર્ડિયાક સર્જન. મેં એમનું બાયોડેટા વગેરે બધું વાંચ્યું અને જે વિષયો હતા એ ટેકનિકલ વિષયો હતા, એનાથી મને જે આકર્ષક વાત લાગી, એમણે અત્યાર સુધીમાં 5000થી વધારે ચિકિત્સા કરી છે, જે છેલ્લો વિડીયો મેં જોયો એમાં જે ડેટા હતો એ પ્રમાણે. પણ ચિકિત્સાની અંદર એમનો એપ્રોચ મેડિકલ સાયન્સની સાથે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનનો રહેલો છે. મહાગુજરાત હોસ્પિટલ નડિયાદમાં તેઓ સેવા આપે છે, વિદેશોમાં એમણે ખૂબ કામ કર્યું છે, બહુ સરળ વ્યક્તિત્વના. એમણે કીધું કે હું સંસ્કૃત ભાષાયાહ સેવક, સંસ્કૃત ભાષા પ્રેમી. યાથી પહેલાં જ્યારે એક વર્ષ પહેલાં અમારા કન્વોકેશનમાં આવ્યા હતા ત્યારે મેં એમનું થોડો વિસ્તારથી પરિચય આપો હતો કે સંસ્કૃત ભાષાયાહ સેવક, એટલે આજે મેં પાછી હિંમત ના કરી એમને ફોન કરવાની. પણ મેં જે શોધ્યું, ગાયત્રી મંત્રેણ યદા શલ્યચિકિત્સાયાહ યહ ખંડઃ ભવતિ તત્ર ગાયત્રી મંત્રસ્ય પ્રભાવઃ, અને એ ગાયત્રી મંત્ર દ્વારા એ પ્રભાવથી શલ્યચિકિત્સા દરમિયાન એમણે જે પરિણામો જોયા છે એમનો પણ આજે આપણને એ પરિચય આપશે. શનિ અને રવિ એમના સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં છે. સંસ્કૃત સ્વયં સંસ્કૃતમ વક્તુમ શક્નોતિ, ધારા પ્રવાહીણ સંસ્કૃતમ વક્તુમ શક્નોતિ, અને ન કેવલમ ગુજરાતે અપિતુ ભારતસ્ય પ્રસિદ્ધાહ હૃદય રોગ ચિકિત્સકાહ સંતિ તેષા મહોદયસ્ય સ્થાનમ અગ્રિમમ અસ્તિ. ઘણા લોકો જતાવતા નથી, પણ સંસ્કૃતમાં એવો શ્લોક છે કે રે રે કોકિલ મા ભજ મૌનમ કિંચિદ ઉદંચય પંચમ રાગમ, હે કોયલ તું હંમેશા શાંત ના બેસ, થોડું ક્યારેક પાંચમા રાગમાં ગઈ પણ લે, કારણ કે નો ચેતવામિહ કો જાનીતે, નહીં તો તમને કોણ જાણે, કાક સમૂહઈ પીહિતે ચામરે. આખું આમ્રવૃક્ષ તો કાગડાઓથી ભરાયેલું છે, કારણ કે રંગમાં તો સરખા હોય પણ બોલે ત્યારે ખબર પડે. એટલે આદરણીય અનિલ ઝા સાહેબ જે છે એ ખૂબ પ્રેમ કરે, અને જે એમણે કહેવાની કદાચ ના પાડી હોય પણ હું કહું, એ અમારી સંસ્થાને માટે બહુ મોટા દાતા છે. 3 વર્ષ પહેલાંનો મારો એક્સપિરિયન્સ, અમે છે ને બધું બહુ સાહેબ સાહસ બહુ કરી નાખીએ, સંસ્કૃત સંગીતોત્સવ એમ કરીને જાહેરાત કરી દીધી, અને જાહેરાત કરી દીધી પહેલો કાર્યક્રમ. હવે કરવું છે, સ્તોત્ર સરસ મૂકવા છે, ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ વાદકોને હાયર કરી લીધા, ગાયકો અમારા વિદ્યાર્થી અને કેટલાક ઉત્તમ ગાયકો લઈ લીધા. પછી ખબર પડી કે હોલનું ભાડું આમ કરતાં 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 પછી ખબર પડી કે આટલો આટલો ખર્ચો થઈ જાય, અને અમારા એકાઉન્ટન્ટને પૂછ્યું કે બેંક બેલેન્સની શું સ્થિતિ છે, તો કે અત્યારે તો આટલું છે. એ વખતે માત્ર વાદકોને ચૂકવા એટલા અમારી પાસે પૈસા હતા, આજની સ્થિતિ પણ એવી જ છે, ચિંતા નથી. પણ સાહસ કરી મૂક્યું, ચલો વાદકો તો કલાકાર છે, કલાકારને એમને ના તો કરું. અને એ ચિંતાનો વિષય હતો કે આ હું ઘણી વખત ક્લાસમાં પણ શેર કરતો હોઉં છું. અને એ દિવસે સાંજે પહેલો કાર્યક્રમ પૂરો થયો અને મેં કીધું ચલો વાદકોને તો સંપન્ન થયું, ગાયકોને કીધું કે યથાશક્તિ દક્ષિણા મનંતરમ પ્રદાસ્ય. અને એ વખત સાહેબ આવીને કંઈક ખિસ્સામાં મૂકતા ગયા કે છે કે પછી જોજો, કે બહુ સરસ મજા આવી. એમ જતા રહ્યા, પછી સાંજે 11 વાગ્યા બહુ બધા કાગળીમાંથી મેં જોયું તો એમણે 50,000 રૂપિસનો એ વખતે ચેક આપ્યો હતો. અને સાહેબ એ
એ બહુ મોટો ભાર એ દિવસે રાત્રે 11 વાગે ઉતરેલો, કારણ કે કેટલાય સંસ્થાનો એવા છે કે જે ચૂપચાપ કામ કરતા હોય છે, આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી ક્યારે એમના તરફ દાતાઓની દ્રષ્ટિ નથી જતી, એ એવા જ વ્યક્તિઓ સમજી શકે કે એમને પ્રશ્ન થાય કે આ કઈ રીતે કામ ચાલે છે. તો દર વર્ષે સંસ્કૃત ગરબા અને અનેક કાર્યક્રમોમાં તેષાં મહત યોગદાન ઉપકૃતા સ્મઃ. આજે ઉત્તમ વક્તા છે એમની વાણીને આપણે સાંભળીશું. આમ ભાવના મહોદયામ પ્રાર્થયામિ, મહોદયસ્ય સ્વાગતમ કરોતુ ઇતિ. ધન્યવાદઃ મહોદય ભવતામ ઉપસ્થિત્યા. તૃતીયમ પરિચયમહં કારયામિ. ડોક્ટર ભાવપ્રકાશ ગાંધી મહોદયઃ. ભાવપ્રકાશ મહોદયઃ યુવા સંસ્કૃત વિદ્વાન અસ્તિ. હંમેશા પેઢી જેમ જેમ આગળ ચાલે ને એમ એમ મોટી પેઢીના લોકોને ચિંતા બહુ હોય કે નવી પેઢીનું હવે શું થશે. એટલે એક તો જ્ઞાનને હસ્તાંતરિત કરવું અને બીજું દાયિત્વ એક હાથમાંથી બીજા હાથમાં આપવું બહુ જ અગત્યનું છે. સંસ્કૃત પરંપરામાં પણ આવી ચિંતા છે. જે વિદ્વાનો છે એમને થાય કે અમારો વારસો કોણ રાખે. પણ હંમેશા હું હસ્તસ્તો કહેતો હોઉં છું કે જે આપણા વડીલો છે એમને ચિંતા હોય, પણ આજની જે જનરેશન છે એ વધારે પોતાના કેરિયરને માટે, પોતાના શરીરને માટે એ બહુ જ સજાગ છે. અને સંસ્કૃત ક્ષેત્રની અંદર જે સારા વિદ્વાનો, યુવા વિદ્વાનો જે તૈયાર થઈ રહ્યા છે, તૈયાર થઈ ગયા છે અને ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરી રહ્યા છે, એમાંના શ્રી ડૉક્ટર ભાવપ્રકાશ ગાંધી મહોદય અધ્યાપક છે. મેં તમને પરિચય લીફલેટમાં આપ્યો છે. આ ઉપરાંત અત્યાર સુધીમાં એમણે 8 પુસ્તકો પ્રકાશિત કર્યા છે. એમના કાવ્ય પ્રકાશિત અત્યારે થશે, કાવ્ય લેખનમાં છે. નૂતન સુભાષિતમ એ નવા, મેં જે રીતે અત્યારે તમને સુભાષિત કહ્યું, નવા નવા શુભોષિતોની રચના કરે છે. 25થી વધારે શોધ લેખો નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ સેમિનાર્સમાં થયા છે. 100થી વધારે એમણે સેમિનાર એટેન્ડ કર્યા છે. અમે એવું કહેતા હોઈએ કે કાવ્યશાસ્ત્ર વિનોદેન કાલો ગચ્છતિ ધીમતામ. આજે લગ્નની સિઝન છે ને એટલે ઘણા બધા પાર્ટીમાં ગયા હશે, પણ બુદ્ધિશાળીઓ બધા અહીંયા ભેગા થયા છે કે જેમનો જે સમય છે કાવ્યશાસ્ત્રના વિનોદમાં જવાના છે. AIOC એ સંસ્કૃતની બહુ જ મોટી કોન્ફરન્સ થતી હોય છે. એમણે કશ્મીરમાં બેસ્ટ રિસર્ચ પેપરનું એમને આખા અખિલ ભારતીય એવોર્ડ મળ્યો હતો. આ ઉપરાંત ગુજરાત સરકારે સંસ્કૃત યુવાનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે યુવા ગૌરવ પુરસ્કારની ઘોષણા કરી અને સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા જ આ શુભ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. અને એ એવોર્ડ પણ ડોક્ટર ગાંધીને મળ્યો છે. અનેક પરંપરાથી ભણેલા છે. સંસ્કૃત પરંપરા પાઠન પરંપરામાં બે છે, એક પાઠશાળીય પરંપરા ને બીજી છે આધુનિક પરંપરા. બંને પરંપરાના એ વિદ્વાન છે. વયમ અત્ર ઉપકૃતાઃ સ્મઃ એતેષાં વચનેન, વયમપિ કિમપિ નૂતનં જ્ઞાનં પ્રાપ્સ્યામઃ. અહં ભાવના મહોદયાં પ્રાર્થયામિ. ગાંધી મહોદયસ્ય સ્વાગતમ કરોતુ ઇતિ. ધન્યવાદ મહોદય. ભવંતઃ અત્ર ઉપસ્થિતાઃ તસ્માદ્ ધન્યવાદઃ. જયતુ સંસ્કૃતમ, જયતુ ભારતમ. ધન્યવાદ મહોદયઃ. સંપ્રતિ કાર્યક્રમમ ઉદ્બોધયિતુમ અહં પદ્મશ્રી વિષ્ણુ પંડ્યા મહોદય પ્રાર્થયામિ. સંસ્કૃત વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાનના સર્વે સર્વા અને મારા પરમ મિત્ર ડૉક્ટર મેહરભાઈ, આજે જે બે વક્તાઓને આપણે સાંભળવાના છે એ ડૉક્ટર અનિલજી અને ડૉક્ટર ભાવપ્રકાશજી. ભાવપ્રકાશજી સાથે મારો પરિચય છે, અનિલજીનો પરિચય આજે વધારે સુદૃઢ થશે, આપણને બધાને થશે. અને એમણે મીરભાઈ એવું કહ્યું કે કેટલાક બુદ્ધિશાળીઓ અહીં આવ્યા છે અને બાકી બધા
લગ્ન સમારંભોમાં ગયા છે, હું એવો ભેદ નહીં પાડું, ત્યાં ગયા છે પણ બુદ્ધિશાળીઓ જ છે. પરંતુ અહીં જે છે, અને મને આનંદ થાય છે કે આવડા મોટા અમદાવાદમાં અનેક કાર્યક્રમોની વચ્ચે આટલા લોકો, આટલા મિત્રો, આટલા ગુણીજનો સંસ્કૃત સાહિત્યની સાથે એની એની એનો પ્રેમ સ્નેહ દર્શાવે છે અને શાંતિથી બે કલાક રહેશે અહીં. આ નાની વાત નથી, બહુ અઘરું છે. એમણે કહ્યું ને કે અમે સાહસો કરતા રહીએ છીએ, દુઃસાહસો પણ કરે છે મેરભાઈ, પણ દુઃસાહસને સાહસમાં બદલાવી નાખવાની એની જે શક્તિ છે એ મને, હું એનો સાક્ષી છું. ઘણા બધા કાર્યક્રમોમાં જવાનું થાય છે, આ પહેલાંના બે કાર્યક્રમોમાં પણ હું આવવાનો હતો, નહીં આવી શક્યો, એના ઘણા કારણો છે. પણ આજે તમને એક નાની સારી ખબર, પત્રકાર છું એટલે ખબર આપું, થી મારી નાની વાત બહુ વધારે નથી કરવી, આપણે બંનેને સાંભળવા છે. એક સારા સમાચાર એ છે કે સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી અને બીજી 5 અકાદમી, ગુજરાતી, હિન્દી, ઉર્દુ, સિંધી, કચ્છી, સિંધી, 6 અકાદમીઓ છે અને 6 અકાદમીઓનું એક વિશાળ અકાદમી ભવન આવનારા વર્ષે ગાંધીનગરમાં ઊભું થવાનું છે. એટલે તમારે આ એએમએમાં ને આઈઆઈએમમાં ને એમાં નહીં જવું પડે, ત્યાં જ સરસ મોટો સભાખંડ હશે. ગાંધીનગર છે, અકાદમી આવડી મોટી છે, એટલે શક્ય હશે તો ભોજન સાથે આપણે કાર્યક્રમો કરીશું. અલ્પાહાર હોય તો અલ્પાહાર, અહીં શું છે મને ખબર નહીં, અત્યારે તમે ચાનો કપ જોયો નાનો, પણ એક રહસ્ય કહી દઉં કે સાવજ મિહિરભાઈ અકિંચન નથી. સંસ્કૃત અકાદમી તરફથી પણ થોડી ઘણી જેટલી યથાશક્તિ મતી આપણે આર્થિક સહયોગ આપીએ જ છીએ અને આજે પણ આપ્યો છે, ભવિષ્ય પણ આપવાના છે. બે મોટા વિષયો સાથે આજે વાત થવાની છે, બંને વિષયો મહત્વના છે. ગાયત્રી મંત્ર અને એનું દર્શન, આમ તો પરાપૂર્વથી આપણે ગાયત્રી મંત્ર બોલતા આવીએ છીએ અને આપણા વેદમાં પ્રકૃતિ સાથેનો જે સંબંધ છે એ અધ્યાત્મ સાથેનો હશે, મને બહુ જ્ઞાન નથી, પણ જે કંઈ સામાન્ય વાંચ્યું છે મેં એને આધારે હું એમ કહી શકું કે આપણા ઋત્વિજો, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં અત્યારે કોસ્મિક પાવર કહીએ છીએ, કોસ્મોસ, એની સાથે 24 કલાક ક્ષણે ક્ષણ સાથે હતા અને તો જ એવું કહી શકે સૂર્યને, ગાયત્રી મંત્ર એટલે સૂર્યની સાથે સંબંધિત, પશ્ય દેવસ્ય કાવ્યમ પુરોહિતા, આ સૂર્યોદય એ જ મોટું કાવ્ય છે. સાહેબ, આજના કવિઓને પણ જેમાંથી શીખવાનું મળે એવી આ મોટી વાત છે. સૂર્યને કવિતા કહો, ચંદ્રને કવિતા કહો, મેઘને કહો, આષાઢસ્ય પ્રથમ દિવસે કવિ કુલગુરુ કાલિદાસ કહે, અસંખ્ય ઉદાહરણો મળી આવે. પરંતુ મારે તો આ બંનેને સાંભળવા છે, એટલા માટે હું આવ્યો છું. પરંતુ આ ગાયત્રી મંત્ર કે જે આજે આધુનિક વિજ્ઞાનની સાથે સંબંધિત ધરાવે છે, એમની વિશે પ્રકાશ પાડશે જ, અને પ્રકાશ પાડનારા કોઈ લિટરેચર સાથે એમએ બીએડ નથી થયા, પીએચડી નથી થયા, એ તો શલ્યશાસ્ત્ર છે અને હૃદયરોગ નિષ્ણાત છે. મોટી વાત છે, હૃદયની સાથે ગાયત્રીનું અનુસંધાન છે જ અને એ સંધાન આજે આપણને જાણવા મળશે
ભાવપ્રકાશજી પણ પરમ વિદ્વાન છે, યુવાન. હવે હું એને યુવાન ન કહું, મોટા થઈ ગયા, સુપ્રતિષ્ઠિત, ગોખમાં મૂકવા જેવા. આપણે વિદ્વાનોને વડીલોને હવે મોટે ભાગે ગોખલામાં મૂકીએ છીએ. પૂજા કરવાની, પછી આગળ બીજું બધું કરવાનું, એટલે નવી પેઢી ઊભી થાય. એક દીપ છે જલે દૂસરા, તો આપણે એક દીવડામાંથી બીજો દીવડો, એક હાથથી બીજા હાથ. પરંપરા આપણી સમૃદ્ધ પરંપરા છે, અને સમૃદ્ધ પરંપરાનું છેલ્લી વાત મારે એ કેવી છે કે આવડી મોટી આપણી સાંસ્કૃતિક પરંપરા છે, એનો અર્થ સમજવા જેવો છે. અને અર્થ રાષ્ટ્ર સાથે જોડાયેલો છે, ભારતીયતા સાથે જોડાયેલો છે. અને સમગ્ર વિશ્વમાં મનુષ્ય સંસ્કૃતિમાં જો ભારત અને ભારતીયતા અને રાષ્ટ્રીયતા જીવશે, તો જ મનુષ્ય કલ્યાણને સિદ્ધિના શિખરે પહોંચશે. આ કંઈ કહેવા ખાતર કેવું છે એવું નહીં, પણ એક આપણી પરંપરા, આપણી ફિલસોફી, આપણું ધર્મ દર્શન, આપણું અધ્યાત્મ, આપણો વિચાર, આપણું સાહિત્ય, આપણું શિક્ષણ, મોટાભાગનું આપણે એમાંથી ભૂલીને બેઠા છીએ, વિસ્મૃત થઈ ગયા છીએ. અને સમાજને માટે વિસ્મૃતિ એક મોટો અભિશાપ છે. ભૂલી જવું, ઉત્તમ હોય એને ભૂલી જવું, એ સમાજ વધારે ટકી ના શકે. આપણે સમાજને ટકાવવો છે, આપણી રાષ્ટ્રીયતાને ટકાવવી છે. આપણે બુલંદ સ્વરે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ જ્યાં છે ત્યાં, જે વ્યવસાય કરે ત્યાં, રાષ્ટ્રે જાગ્રયામ વયમ પુરોહિતા હા, એ કેવું છે અને અનુસરવું છે. રાષ્ટ્રમાં જાગતા રહો. હું એક એ નાની વાર્તા કહીને મારી એક ટૂંકી વાત છે. આચાર્ય ચાણક્ય જ્યારે સમગ્ર રાષ્ટ્રની ચિંતા અને ચિંતન કરતા હતા, અને અયાસી સામ્રાજ્યને ઉખેડી નાખવા માટે આ બ્રાહ્મણ નીકળ્યો હતો, સંગઠન શક્તિ સાથે નીકળ્યો હતો, પરંતુ છતાં કંઈક અધૂરું હતું, એટલે એ પરિભ્રમણ કરે નગરમાં, મહાનગરમાં, ક્યાં દરેક જગ્યાએ જાય, પૂછે. લોક સંગ્રહ અને લોક સંપર્ક આ બે મોટી ચીજ છે. આજે તમને હિન્દુસ્તાનમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનો જે ઇતિહાસ છે એ જાણો, તો તમને ખ્યાલ આવે કે લોક સંગ્રહ કઈ ચીજ છે. ચાણક્ય કરતા હતા, તો એક દિવસ એક નગરમાં છે કોઈ ગલીના ખૂણે એક વૃદ્ધા વિધવા માતાજી એનું ઘર હતું, ત્યાં ગયા. સાંજ પડી હતી એટલે કે માં મારે જમવું છે, એ વખતે ખુલ્લું હતું બધું, ભોજનાલયમાં જવું નહોતું પડતું, કોઈના પણ ઘરે જઈ શકતા હતા. અને એ સંકોચ જાણો કે ન જાણો તો પણ, તો જમવાનું હતું કે હા ચાલશે. એટલે માતાજીએ જે કંઈ આવડ્યું એવું કર્યું, જમવા બેઠા, જમવાનું જ નિમિત્ત હતું. પણ જમતા જમતા ચાણક્યને પૂછે છે કે માં તારે તો આખી જિંદગીના અત્યારે 80 વર્ષ 82 વર્ષ જેટલા કાઢ્યા, તે તો ઘણા રાજાઓને જોયા, ઘણી પ્રજાને જોઈ, ઘણા વલણો અને વહેણો જોયા, આજની પરિસ્થિતિ વિશે તારે શું કહેવું છે? તેણે બિચારીએ પોતાની રીતે કહ્યું, કરે જવા તેને, આજે જો આવો રાજા છે, આવું શાસન છે, પ્રજા ઉપર જુલમ છે, કોઈને કોઈની પડી નથી, એકબીજાની સામે લડે છે, મરે છે, વિદેશોમાંથી લોકો આવીને આપણા ઉપર રાજ્ય કરે છે, વગેરે વગેરે. એ વખતે આવવાના હતા વિદેશી આક્રમકો, આવવાના હતા એની પણ એને ખબર હતી. તો ચાણક્ય પછી બીજો સવાલ પૂછ્યો કે આ તો બધું બરાબર છે, પણ આનો ઉપાય શું? માતાજી ખડખડ હસી પડ્યા કે તું મોટો વિદ્વાન છે, તને ખબર હોય, મને થોડી ખબર હોય. પણ ના, તો કે તને જે કંઈ મગજમાં આવે. એ વખતે એણે કહ્યું કે મને બાકી બધી તો ખબર નથી, હું શાસ્ત્ર ભણી નથી, હું ક્યાંય કશું નિષ્ણાત કોઈ વસ્તુની નથી, માત્ર રોટલા અને શાક આવડે છે એટલું જ, પુરુષાર્થ મારો આટલો જ. પણ મને એમ લાગે છે કે દરેક માણસે જાગતા રહેવું જોઈએ.
સાહેબ અંડરલાઈન જાગતા રહેવું જોઈએ. ચાણક્ય પછી ઘરે ગયા, વેદ ઉપનિષદ બધું ઉથલાવ્યું ને એમાંથી એમણે આ સૂત્રને શબ્દસ્થ કર્યું, સમાજસ્થ કર્યું. રાષ્ટ્રે જાગ્રયામ વયમ, રાષ્ટ્રમાં જાગતા રહી. એના માટે કોઈ બીજી બધું આવશ્યકતા નથી. કંઈ જ્યાં છીએ ત્યાં ગૃહિણી રસોડામાં જાગે, ઘરમાં જાગે, યુદ્ધના મેદાનમાં સૈનિક જાગે, પાર્લામેન્ટમાં મિનિસ્ટરો અને લોકસભાના સદસ્યો જાગે, ધારાસભામાં ધારાસભ્યો, વકીલ હોય એ કોર્ટમાં જાગતો રહે. સાચી રીતે જાગતા રહે બધા, વ્યવસાયી વ્યવસાયિક. એક વાર રાષ્ટ્રની આવી જાગૃતિ જો થાય તો કોઈની તાકાત નથી કે આ દેશને સમાપ્ત કરી શકે. આપણું સાહિત્યને, આપણી સંસ્કૃતિને, આપણા સર્જનને, આપણી સંસ્કૃતિને, ધારાને, એને નષ્ટ કરવાના ઉપાયો આખી દુનિયામાં થઈ રહ્યા છે. પહેલાં થતા હતા, આજે પણ થાય છે. આપણે વિભાજિત થઈ જઈએ, આપણી પાસે કશું છે નહીં, સાહિત્ય નિર્માલ્ય છે. આપણે બસ 5000 વર્ષ પહેલાંની વાત કરીએ છીએ, અત્યારે તો તમારામાં કંઈ આધુનિકતા નથી, આવું બધું કહેવાઈ રહ્યું છે. અને એ બધું પેલા બ્રાહ્મણની પાસે બકરી હતી અને એ નીકળો તો અને પેલા ચાર ધૂરતો એક પછી એક આવ્યા કે નહીં તારી પાસે બકરી ક્યાં છે, કૂતરું છે, કૂતરું છે, કૂતરું છે, કૂતરું છે. છેલ્લે ચાર લોકોએ કહ્યું એટલે બ્રાહ્મણ માની પણ ગયો બિચારો. આ સંજોગો આજે આ દુનિયાના છે અને એની વચ્ચે એટલા માટે આપણે ટકી રહીશું કે આપણી સંસ્કૃતિ પુરાતન છે, આપણી સંસ્કૃતિ અર્વાચીન પણ છે, પ્રાચીન અને અર્વાચીન બંને છે. અને એટલા માટે સંસ્કૃત ભાષા એ પણ, સંસ્કૃત અને સંસ્કૃતિ એકબીજાના સંબંધ ધરાવે છે. દુનિયાની બીજી ભાષાઓ જુઓ તો પોતાના દેશ ઉપર આધારિત હશે, કોઈ જર્મન, કોઈ અંગ્રેજી, કોઈ ફ્રેન્ચ, કોઈ સ્પેનિશ, કોઈ સ્લોવાક, એ જે દેશો છે એના નામે એ ભાષાઓ છે. આપણે ભારતીય ભાષા સંસ્કૃત, સુસંસ્કૃત, એટલે આખી સંસ્કૃતિને આવરી લે છે અને સંસ્કૃતનો અર્થ જ સભ્ય થાય છે. તો આપણે પહેલેથી આપણી સભ્યતા અને સંસ્કૃતિ સાથે સંબંધ ધરાવીએ છીએ અને એટલા માટે સંસ્કૃત એ સર્વશ્રેષ્ઠ ભાષા છે. અગાઉ ભાષાશાસ્ત્રીઓએ ઘણા બધાએ સંશોધન કર્યા છે અને એમાં બે છેડા કર્યા હતા. એમણે કહ્યું હતું કે ઇંગ્લિશ જેટલી અશાસ્ત્રીય કોઈ ભાષા નથી. આપણને ખબર છે બીયુટી બટ ને કેમ થાય ભાઈ, બૂટ કેમ ન થાય, સંસ્કૃતમાં એવું નથી. અને સંસ્કૃત વિશેનું જે સંશોધન કહે છે કે અત્યંત વૈજ્ઞાનિક ભાષા છે. ધારીએ તો આપણે બધા બોલી શકીએ, ધારીએ તો આપણે બધા લખી શકીએ, ધારીએ તો આપણે એમાં ચિંતન કરી શકીએ. તો એવી સંસ્કૃત ભાષા જીવંત છે અને સંસ્કૃત ભાષા જીવંત છે એટલા માટે ભારત જીવંત છે, એટલા માટે રાષ્ટ્ર જીવતું છે, એટલા માટે સંસ્કૃતિ જીવતી છે. હું અતિરેક નથી કરતો, સંસ્કૃતનો રાષ્ટ્રના આત્માનો ઉદ્ઘોષ છે અને એમાં જે કંઈ છે એની બધી વાત એ લોકો કરશે, આપણા મિત્રો. પણ મારે આટલું કહેવું હતું કે આપણે વિદ્વત પરિષદોમાં જઈએ, વિદ્વત સંમેલનોમાં જઈએ, ચિંતન કરીએ, ચર્ચા કરીએ, ચર્મણા કરીએ, પણ એની સાથોસાથ આપણામાં હૃદયમાં આપણે રાષ્ટ્ર રાખીએ. હૃદયશાસ્ત્રી અહીં બેઠા છે એ પણ આ જ કહેશે કે હૃદયમાં રાષ્ટ્ર હોય તો પછી બાકી બીજી તકલીફ પડશે નહીં. આ ત્રીજી વાત. છેલ્લી વાત, હું સંસ્કૃત અકાદમીનો પણ અધ્યક્ષ છું. વિનમ્ર ભાવે આપણે પુસ્તકો પ્રકાશિત કરી રહ્યા છીએ, આપણે ગૌરવ પારિતોષિકો આપીએ છીએ, વિદ્વતજનોને પણ આપણે કરી પેલું સન્માનિત કરીએ છીએ. જે પરિવારોમાં સંસ્કૃત બોલાય છે એના પણ, એનું પણ સન્માન કરી દર વર્ષે આષાઢસ્ય પ્રથમ દિવસે એવો આપણો કાર્યક્રમ હોય છે. આપ સૌ પણ એમાં સમ્મિલિત હશો જ, ન હો તો જરૂર થજો. આ ત્રીજી વાત, પુસ્તક પ્રકાશનમાં પણ આપણે દ્રષ્ટિપૂર્વકનું પ્રકાશન કરીએ છીએ. હમણાં એક લગભગ 80-90 વર્ષ પહેલાનું એક પુસ્તક, સદાનંદ ગૌડ નામના એક વિદ્વાન છે,
બનારસ વિશ્વ વિદ્યાલયમાં અધ્યાપક હતા અને રસાયણશાસ્ત્રના હતા. મદન મોહન માલવિયાજી અને ડૉક્ટર ગુપ્તા વગેરેના એમના એ સમકક્ષ હતા. એ બધાએ એમને કહ્યું કે તમે હિન્દુત્વનો એન્સાયક્લોપીડિયા તૈયાર કરો, સરળ ભાષામાં કરો, સંસ્કૃત અને હિન્દી બંને એમાં સાથે આવી જાય એવી રીતે કરો. સાહેબ, એમણે 1000 પાનાનો જે આ હિન્દુત્વ નામનું પુસ્તક લખ્યું છે, ગ્રંથ છે, પુસ્તક નથી, એમાં હિન્દુત્વના તમામ પાસા આવી જાય છે, વેદ ઉપનિષદથી માંડીને આજના સંપ્રદાયો સુધીનું, સરળ ભાષામાં. એ જમાનામાં કઈ રીતે એમણે રચ્યું હશે આપણને કલ્પના નથી, પણ રચ્યું. એમના પ્રકાશક શિવપ્રસાદ ગુપ્તા હતા, એ પણ મોટા ગજાના આપણા ભારતના મહાનુભાવ હતા, વિદેશોમાં ને બધી જગ્યાએ ફર્યા હતા. એ પુસ્તકો અપ્રાપ્ય છે, મળતું નથી. પછી ગમે ત્યાંથી આપણે એક પ્રત શોધી કાઢીએ એની, અને આપ સૌને એ જાણીને આનંદ થશે કે આપણે એનો મૂળ જે 1000 પાનાનો ગ્રંથ છે એ પ્રકાશિત કરી રહ્યા છીએ, અને ગુજરાતી વાચકોને પણ એને મળે એટલા માટે આપણે એનો ગુજરાતી અનુવાદ પણ પ્રકાશિત કરવાના છીએ. તો સંસ્કૃત અકાદમી યત કિંચિત આવું બધું કરી રહ્યું છે, આપ સૌ એમાં સહભાગી બનો. અને મારી ઉત્સુકતા તો આ બંનેને સાંભળવાની છે, એની વચ્ચે આટલું મોટું મારાથી બધા બેઠા છે, એટલે હવે હું મૂળ તો શિક્ષક છું એટલે 45 મિનિટ આસાનીથી લઈ શકું, લઈશ ને, હું ચિંતા નહીં કરશો પણ લઈ શકું. પણ આપ સૌને આજે મળીને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો, વારંવાર આપણે મળતા રહીશું. અને સંસ્કૃત અકાદમી જે છે એમાં પણ આપ સૌ સ્નેહપૂર્વક આમંત્રિત છો, ઠીક છે. માર્ગદર્શક સમિતિ વગેરે વગેરે છે, મિત્રો પણ છે એમાં, પરંતુ તમે બધા પણ એમાં આમંત્રિત છો. અને કોઈ પણ સમયે આપ મને જે પણ કંઈ સૂચનો કરી શકો એ કરજો. સમિતિની બેઠક થાય ત્યારે પણ આવજો, પ્રકાશનમાં શું કરી શકાય એમાં પણ આપણા સૂચનો આવકાર્ય છે. ધન્યવાદ મીરભાઈ, તમે મને આટલો સારો મોકો આપ્યો એને માટે હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. ધન્યવાદ મહાભાગાઃ. વયમ ઉપકૃતાઃ સ્મઃ. અધુના સ્વકીયં વિષયં પ્રસ્થાપયિતુમ અહં ડોક્ટર અનિલ ઝા મહોદયં પ્રાર્થયામિ. મહોદયસ્ય વિષયઃ ગાંધી ગાયત્રી મંત્ર કા દર્શન એવં આધુનિક યુગ મે પ્રાસંગિકતા ઇતિ અસ્તિ. યે મહાભાગાઃ મંચાસીન આસન ક્ષણમ પૂર્વમ, તે આદરણીય પદ્મશ્રી વિષ્ણુભાઈ, ડૉક્ટર મિહિરભાઈ, ડૉક્ટર ભાવપ્રકાશ, ભવતઃ નમસ્કરોમી. અત્ર સભાગારે અસ્મિન કાર્યક્રમે ઉપસ્થિતેભ્યઃ સર્વેભ્યઃ જનેભ્યઃ નમો નમઃ. મયા જ્ઞાતમસ્તિ યત અસ્ય કાર્યક્રમસ્ય લાઇવ ફીડ વ્યવસ્થા સંચાલકૈ સંયોજકૈ કૃતમસ્તિ. લાઇવ ફીડ યે જનાઃ પશ્યંતિ તાન અપિ કરબદ્ધ્વા નમસ્કરોમિ. અસ્મિન કાર્યક્રમે ભવતાં સર્વેષાં સ્વાગતમ અસ્તિ. ટેસ્ટ ઓફ સંસ્કૃત લિટરેચર, સંસ્કૃત સાહિત્ય રસાસ્વાદ ઇતિ અસ્યાહ વ્યાખ્યાન શૃંખલાયાહ ઇદમ કદાચિત તૃતીયમ સંસ્કરણમ અસ્તિ. તૃતીયમ સંસ્કરણમ અસ્તિ. સંસ્કૃત સાહિત્ય એકેડેમી ચ સંસ્કૃત વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાનસ્ય અયમ પ્રયાસઃ અત્યંત સ્તુત્યાર્હ પ્રશંસાયોગ્યઃ. યદા મિહિર મહોદય માં અસ્મિન વિષયે સૂચિતવાન પૃષ્ટવાન ચ કસ્મિન વિષયે ભવાન વક્તવ્ય દાસ્યતિ, તદા અહં વિચારિતવાન એકમેવ વિષય મનસી આગતા ગાયત્રી.
यः जपः अहं बाल्यकालतः कुर्वन् अस्मि तस्मिन् एव विषये वक्तव्यः दातव्यः इति अहं चिन्तितवान्। अस्मिन् विषये गायत्रीमन्त्रका दर्शन एवम् आधुनिकयुगमे प्रासङ्गिकता, अस्मिन् विषये यत् ज्ञानं मम गुरुवर्येण मया प्राप्तमस्ति तदेव ज्ञानं भवतां समीपे अहं प्रस्तुतं करोमि। इदं ज्ञानं महत्त्वपूर्णं रुचिकरम् अपि। कृपया ध्यानेन शृण्वन्तु। आदरणीय मिहिर महोदय मम परिचय विस्तरेण दत्तवान्, भवान् बहुशः धन्यवादः। यथा मिहिर महोदयेन उक्तम् अस्ति, अहं तु हृदयस्य शल्यचिकित्सकः, प्रतिदिनं करोमि हृदयस्य शल्यचिकित्सा, किन्तु मम हृदये तु वसति संस्कृतभाषा। अहं संस्कृतप्रेमी, किन्तु एकं निवेदनम् अस्ति, मम पत्नीं मां कथयतु। मम संस्कृतज्ञानम् अत्यन्तं न्यूनमस्ति, अतिस्वल्पं। यत्किमपि ज्ञानमस्ति तत् मयूर् महोदयेन दत्तमस्ति, किन्तु यदा समयः मिलति तदा संस्कृत अभ्यासं कर्तुं प्रयासं करोमि, संस्कृतपठनं पाठनं करोमि। पश्यन्तु, हृदय इति एकः संस्कृतशब्दः, रोचकः शब्दः। त्रीणि अक्षराणि सन्ति, ह्री द य, तस्य व्युत्पत्ति अपि रुचिकरा। ह्री एट्ले हरण करता है, जो हरण करता है। द एट्ले ददाति, जो देता है। य एट्ले याति, चलायमानः अस्ति। हृदय सदा चलायमानः अस्ति, कदापि विश्रामं न करोति। यदा विश्रामं करोति राम नाम सत्य भवति। सदा चलायमानः अस्ति, चलते रहने के साथ साथ हरति। ह्री एट्ले हरति। क्या हरण करता है? सारे शरीर के टिश्यूज से, ऑर्गन से वो कार्बन डाइऑक्साइड का हरण करता है, टॉक्सिक मटेरियल का हरण करता है, विषैले पदार्थों का हरण करता है। और वो हरण करके वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को दे देता है कि आप बाहर निकालो, और जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं, टॉक्सिन से विषैले पदार्थ हैं, उसको लेके लीवर और किडनी को दे देता है, आप बाहर निकालो। इसलिए ह्री, इसकी एटिमोलॉजी इज़ वेरी गुड। द ददाति, देता क्या है? सारे शरीर को, रुधिर के माध्यम से सभी कोशिकाओं को, ऊतकों को, विभिन्न अंगों के कोशिकाओं को ऑक्सीजन देता है। और आंतों से और पेट से लिया गया पौष्टिक तत्व, पोषक तत्व वो उसको प्रदान करता है। तो हृदय एक रुचिकर शब्द, तस्वीर उत्पत्ति अभी रुचिकरा। बहुत विषय अद्य अस्ति गायत्री, अतः प्रथमं वयं सामूहिक रूपेण भावपूर्वकं गायत्री मंत्रस्य उच्चारणं कुर्मः। कृपया स्वस्य मेरुदंडम ऊर्ध्वं कृत्वा, स्वस्य मेरुदंडम उपविशन्तु। अहम् उच्चैः वदामि, भवान् मनसि एव अथवा मंदस्वरेण मया सह वदन्तु। प्रार्थना भाव एवम् अस्ति, हे मां अस्मभ्यं सद्बुद्धि प्रददातु। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। गायत्री मंत्र हमारी संस्कृति में, जैसा आदरणीय विष्णु भाई जी ने कहा, हमारी संस्कृति जो है वो साधारण संस्कृति नहीं है, वह ऋषि संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, देव संस्कृति है। सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा कहते हैं इसकी। इसके चार स्तंभ हैं हमारी संस्कृति के, आप सब जानते हैं, गौ,
गंगा गीता और गायत्री, ये गायत्री उसमें से एक स्तंभ है, महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारी संस्कृति के माता पिता अगर आप कहें तो हमारे ऐसा कहते हैं यज्ञ पिता गायत्री माता, तो हमारी संस्कृति की माता भी है। संस्कृत एक भाव होने के साथ एक भाव है, एक प्रार्थना है, मूल तो एक वैदिक छंद है। इसके आप भाग करें तो सबसे पहले मूल ध्वनि ओम, उसके बाद आता है तीन महाव्याहृतियाँ भूर्भुवः स्वः, और उसके बाद उसके तीन पद तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसलिए गायत्री को त्रिपदा भी कहते हैं। तो ये एक वैदिक छंद है। छंद किसे कहते हैं? यह आच्छादनम करोति स छंदः, जो आपको ढक दे, कवर कर दे, आपके ऊपर एक आवरण बना दे, उसके वाइब्रेशंस का, उसके कंपन का, उसके स्पंदन का आपके चारों तरफ एक एक आवरण बने, गायत्री को कहते हैं ना। या जो आप गायंतम त्रायते सा गायत्री ऐसा कहते हैं, जो आप जो गान करने वाले साधकस्य परितः एक आवरणम भविष्यत् भवति, आपके आपकी रक्षण करती, आपका रक्षण करती है। गायंतम त्रायते सा गायत्री, गाने वाले का त्राण करे, उसकी रक्षा करे वो गायत्री। तो गायत्री एक मेटाफर है, एक रूपक है, ये बताता है, ये दर्शाता है सच्चिंतन को, सत्संकल्प को, सद्विचार को, सद्भावना को, ये इसका प्रतीक है गायत्री। इसकी विशेषता ये है कि एक ये सार्वभौम मंत्र है, सार्वभौम छंद है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी विशेष संप्रदाय का नहीं, ये बालक भी कर सकता है, युवा भी कर सकता है, प्रौढ़ और वृद्धावस्था में भी कर सकता है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब कर सकते हैं, इसमें जेंडर बायस भी नहीं है, पुरुष स्त्री सब कर सकते हैं, ये किसी संप्रदाय विशेष का भी नहीं है, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी ईश्वर के, किसी भी रूप के समक्ष गायत्री मंत्र से प्रार्थना की जा सकती है, सार्वभौम, इट इज़ यूनिवर्सल। लेकिन ऋषियों ने, क्योंकि ये व्याकरणात्मक दृष्टि से आप देखें तो गायत्री स्त्रीलिंग है, इसलिए ऋषियों ने उसको माता का रूप दिया है, मातृरूप, मातृस्वरूप प्रदान किया, कोई एकमुखी, कोई पंचमुखी गायत्री, लेकिन गायत्री को माता का स्वरूप दिया। विश्वामित्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र तो इस प्रत्येक वैदिक छंद के एक ऋषि होते हैं, और इस छंद के ऋषि हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, व्यास, सौनक, पराशर, भारद्वाज, आप जिन जिन ऋषियों का नाम लें, सप्त ऋषियों में से सभी ऋषि, सभी ने गायत्री मंत्र की महिमा का गान किया है, उसको उसका प्रतिपादन किया है। एक रोचक कथा मैं आपको कहूँ, यदा समय है बहुत ही कृपया निर्देशित। जब राजा विश्वरथ, जिन्हें राजा कौशिक भी पुराण में कहते हैं, वो अपने सैन्य दल बल के साथ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम के निकट आए, तो उनकी इच्छा हुई कि आज रात यहीं रुक जाते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ तो एक छोटी सी कुटिया में निवास करते थे, और इतना बड़ा सैन्य दल, हजारों की संख्या में सैन्य दल बल के साथ राजा कौशिक पधारे हैं, उनका आवभगत करना पड़ेगा, आतिथ्य करना पड़ेगा। तो वशिष्ठ ने एक क्षण में एक छोटी नगरी का अपने बल से एक छोटी नगरी स्थापित कर दी, खाने पीने की सारी व्यवस्था हो गई। जो कौशिक राजा कौशिक हैं, जो विश्वरथ, वो ही इज़ एस्टॉनिश्ड, ही इज़ अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हैं कि एक कुटिया में रहने वाला ऋषि तपस्वी वो एक क्षण में हमारे सारे इतने लोगों का, हजारों लोगों का इंतज़ाम कर सकता है। तो दूसरे दिन निकलने के वक्त उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि महर्षि ये बताइए कि हम तो राजा हैं, हम तो किसी प्रदेश के राजा हैं, हम इतनी व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं कर सकते, आपने ये व्यवस्था कैसे कर डाली? तो उसने बोला मेरे पास कामधेनु है, उसकी वजह से व्यवस्था हो गई। तब विश्वरथ को ऐसा लगा कि ये कामधेनु तो हमारे पास होनी चाहिए। उन्होंने विश्वामित्र से जिद की, वशिष्ठ से, कि आपके पास जो कामधेनु है वो आप हमें दे दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया कि वो हम कामधेनु आपको दे नहीं सकते। तो उस पर वो संघर्ष करने पर उतर आए, लड़ाई करने पर उतर आए। तो वशिष्ठ ने भी संघर्ष किया, और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि अकेले वशिष्ठ ने अपने कामधेनु की सहायता से विश्वामित्र की सारी सेना को परास्त कर दिया। वो जो कौशिक राजा कौशिक थे उनकी सारी सेना को परास्त कर दिया। तब विश्वामित्र के मुँह से निकल पड़ा, धिक बलम क्षत्रिय बलम
બ્રહ્મ તેજો બલમ બલમ, એકેન બ્રહ્મદંડેના સર્વાની અસ્ત્રાની હતાની મેં. એક અકેલે બ્રહ્મદંડ સે ધિક્બલમ ક્ષત્રિય બલમ, ધિક્કારે ક્ષત્રિય બલ કો બ્રહ્મ તેજો બલમ બલમ. યે બ્રહ્મ તેજ હી અસલી બલ હૈ ઇસ દુનિયા મેં. એકેન બ્રહ્મદંડેન, એક અકેલે બ્રહ્મદંડ સે સર્વાની અસ્ત્રાની હતાની મેં, સારે મેરે હસ્ત્રો કો હરા દિયા, તબસે વો તપ મેં લગ ગયે. ઓર આપ જાનતે હૈ વો બ્રહ્મર્ષિ હુએ વિશ્વામિત્ર. તો કહેને કા મતલબ યે હૈ કિ આજ કે યુગ મેં યે જો મેને વ્યાખ્યાન મેરા તૈયાર કિયા હૈ ઉસકે ઉસકે તીન ભાગ. એક પહેલે ભાગ મેં તો મેને આપકો ગાયત્રી કે બારે મેં બતા દિયા. અબ દૂસરે ભાગ મેં હમ કરેંગે ઉસકા આધુનિક યુગ મેં પ્રાસંગિકતા, રેલેવન્સ ઓફ ગાયત્રી ઇન ધ પ્રેઝન્ટ ઈરા. અબ દેખીએ આજ કે યુગ મેં તો સમસ્યાએં અનેક હૈ, યહાં પર ભી તીન સમસ્યાએં. બચ્ચોં કો પૂછતે હૈ ના રિડલ્સ પઝલ્સ, ઘોડા અટકા ક્યું, પાન સડા ક્યું, ઓર રોટી જલી ક્યું. એક ઓર મુજે યાદ આ રહા હૈ કે ઘર ઉદાસ ક્યું ઓર બૂઢા નિરાશ ક્યું. પોતા નહીં થા ઘર મેં, ઝાડુ પોતો લગા હોતા હૈ તો ઘર અચ્છા લગતા હૈ તો ઘર ઉદાસ નહીં હોતા હૈ, ઓર ઘર મેં પૌત્ર હોતા હૈ તો બૂઢા નિરાશ નહીં હોતા હૈ. ઉસી તરહ સે ઘોડા અટકા ક્યું ઓર પાન સડા ક્યું રોટી જલી ક્યું, કે ઘુમાયા ફિરા નહીં. રોટી કો ભી ઘુમાના ફિરાના પડતા હૈ, પાન કો ભી આપ પાન કે ગલ્લે પે જાયેંગે ના તો વો ઉસમે ઘુમાતા ફિરા ઘુમાતા ફિરાતા રહેતા હૈ, ઓર ઘોડે કો ભી બાંધ કે નહીં રખ સકતે આપ. તો ઉસી તરહ સે આજ કી જો પરિસ્થિતિ હૈ ઉસમે સમસ્યાએં અનેક હૈ. આપ અખબાર પઢેંગે યહી સારી સમસ્યાએં આપકો દિખેંગી, ભ્રષ્ટાચાર, ધોખાધડી, અવિશ્વાસ, શોષણ, યૌન શોષણ, દુરાચાર, આતંકવાદ, યે સમસ્યાએં હૈ. લેકિન કિસી બીમારી કે લક્ષણ હૈ. જો અચ્છા ડોક્ટર હોતા હૈ વો અગર આપકો હેડેક હૈ, માથા દુખતા હૈ તો માથે કી દવાઈ તો દેગા, લેકિન સાથ મેં માથા ક્યું દુખતા હૈ ઉસકી ભી તહકીકાત કરેગા, કે કહીં ઉસકો બ્રેન મેં ટ્યુમર તો નહીં, બ્લડ પ્રેશર જ્યાદા તો નહીં, કુછ ઓર તો કારણ નહીં, શુગર ઘટ તો નહીં ગયા. તો વો યે સમસ્યાએં કો સમસ્યાઓ કો સુલઝાના તો ઠીક હૈ, લેકિન ઇસકી જડ તક જાના પડેગા. ઓર ઇસકા કારણ હૈ, ઇસકા કારણ હૈ સામૂહિક મન કી મલિનતા. હમ હમારા મન બહોત છોટા હો ગયા હૈ, હમારા મન બહોત વિકૃત વિચારો સે ઘિરા હુઆ હૈ, હમારે વિચાર બહોત સંકીર્ણ હો ગયે, સારે કે સારે પ્રોબ્લેમ્સ કી જડ હમારે મન મેં હૈ, હમારી વૃત્તિ બહોત છોટી હો ગઈ હૈ, હમારા દાયરા બહોત સીમિત હો ગયા હૈ, હમ મેં ઓર મેરા ઇસ તક સીમિત રહે ગયે. હમ ડોક્ટર હૈ ઇસલિયે જબ જહાં પર ભી જાતે હૈ તો હમારા કન્સલ્ટેશન તો હર જગહ ચાલુ હી રહેતા હૈ, હોટલ મેં જાયે, રેસ્ટોરન્ટ મેં જાયે, સિનેમા મેં જાયે, જો ભી મિલતા હૈ બોલા કે હમારા પેલા એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવાની થઈ હતી નામ. વૈસે મેરે ઘર મેં એક બાર એસા હુઆ, મેરી બેટી તબ છોટી થી, તીસરી ચોથી મેં શાયદ પડતી હોગી, દસ પંદર સાલ પહેલે કી બાત હૈ, તો આઈ ઓર પૂછા મુજસે કે પાપા આપ તો ડોક્ટર હૈ. મેં બોલા હા. અચ્છા આપ યે બતાઓ કે રાવણ સર્કસ દેખને ગયા તો વો ચક્કર ખા કે ક્યું ગિરા? વો શી વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ ટેસ્ટ મી. તો મેં કુછ દૂસરે કામ મેં થા, મેને ઉસકો ટરકાને કે લિયે મેને કહા કે ઉસકા શુગર ઘટ ગયા હોગા, યા ઉસકા બ્લડ પ્રેશર બઢ ગયા હોગા, યા ઉસકો મિર્ગી કી બીમારી હોગી. બોલા નહીં નહીં નહીં, સબ મેં નહીં. તો મેં બોલા અચ્છા બેટા તું હી બતા ક્યું? બોલા આપકો ઇતના ભી નહીં પતા. ઉસકે કિતને માથે થે? મેં બોલા 10. તો બોલા સર્કસ પે ગયા તો વહાં પે ટિકિટ બારી પે લિખા થા ₹200 પર હેડ, ઉસકો તો 2000 દેના પડતા ના. અબ રાવણ દેખીએ, આપ કોઈ વ્યક્તિ ધનવાન હોતા હૈ અપને સમય મેં તો ઉસકો લોગ જાનતે હૈ, બિલ ગેટ્સ હો યા અંબાની હો. કોઈ વ્યક્તિ વિદ્વાન હોતા હૈ તો ઉસકો સારે સમાજ મેં ઉસકી પ્રતિષ્ઠા હોતી હૈ, કેવલ ઉસકી વિદ્વતા કે બલ પે. આઈન્સ્ટાઈન કો દેખીએ, પૂરા પૂરા વિશ્વ જાનતા હૈ. કોઈ વ્યક્તિ અગર બલવાન હોતા હૈ, મોહમ્મદ અલી કો દેખ લીજીએ, પૂરા ઉસકો વિશ્વ જાનતા હૈ. યે વ્યક્તિ રાવણ અપને સમય કા સબસે બડા બલવાન, અપને સમય કા સબસે બડા ધનવાન, ઓર અપને સમય કા સબસે બડા વિદ્વાન,
विडंबना देखिए, आज हम जैसे साधारण लोग उसको पुतले को जलाते हैं, कारण उसका एक ही है, मन की मलिनता। आज हमने वैज्ञानिक प्रगति बहुत की, आधुनिक युग में हम खूब आगे बढ़ गए। हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं अकबर राजा से ज़्यादा संपन्न हूँ, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास टीवी है, मैं दूर का देख सकता हूँ, फ्लाइट से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, हमें उससे ज़्यादा सुविधा है, वी हैव मोर कन्वीनियंस। लेकिन हमारी चिंतन जो है, हमारी विचार श्रेणी वो बहुत निम्न कक्षा की हो गई है। मैं मेरे भाई के बच्चे हैं छोटे, उनकी किताबें देख रहा था, तो एक हम सब ने भी पढ़ी है वो कहानी, इंटेलिजेंट क्रो, एक होशियार कौवा। उसमें आप सब ने पढ़ा होगा कि गर्मी के दिन थे, कौवे को प्यास लगी थी, उसने एक मटका देखा, मटके में पानी बहुत कम था, तो उसने कंकड़ डालना शुरू किया, पानी का लेवल ऊंचा आया स्तर, और उसने पानी पिया। तो मेरे जो भतीजे हैं वो मुझसे पूछते थे कि बड़े पापा तुम्हें क्यों ये होशियार कहवाए कि गांडो कहवाए, स्टूपिड कहवाए। मैं बोला क्यों स्टूपिड कहलाए? बोला कि एक स्ट्रॉ ना मड़े ने, स्ट्रॉ आटली मेहनत करे, स्ट्रॉ नाखी ने पानी पी ले भाई। और आजकल तो कहते तो स्ट्रॉ भी ऐसे आते हैं कि आपको डोग भी झुकाना नहीं पड़े, वो बेंडी स्ट्रॉ आते हैं, उसको आप मोड़ दो, आप आराम से पी सकते हैं। मतलब हमारी प्रगति इतनी हो चुकी है, लेकिन हमारे विचार का स्तर बहुत घटिया है। और गायत्री क्या है? ये सद्चिंतन का प्रतीक है, सद्विचार का प्रतीक है, सद्ज्ञान का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है। आज उसकी सबसे अधिक ज़रूरत है, आज उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, आज के युग में तो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। भगवान राम कहते हैं ना, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, मुझे कौन पा सकता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझको पा सकता है। तो दैट शुड बी आवर स्टैंडर्ड। गांधी जी ने 3 बंदर बनाए थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। शायद एक ही बंदर बनाया होता ना, बुरा मत सोचो, तो तीनों बंदर को शायद कवर हो जाता। हम दुर्योधन को तो बहुत गाली देते हैं, लेकिन क्योंकि दुर्योधन गया था जब कृष्ण ने कहा था कि मेरा जो है वो जिसको भी ले जाना ले जाए, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे थे, और दुर्योधन ने क्या मांगा था उनसे? अक्षौहिणी सेना मांगी थी, और अर्जुन ने मांगा था कृष्ण। हम भी ईश्वर से यही पूछें कि हम दुर्योधन के तरीके से मांग रहे हैं या अर्जुन के तरीके से मांग रहे हैं। दैट शुड बी आवर बेस लाइन, आवर स्टैंडर्ड। इसलिए गायत्री से अगर हम कुछ मांगें तो गायत्री है सद्विचार का प्रतीक, सत्संकल्प का प्रतीक। उससे हम सद्बुद्धि मांगें, आज के युग में उसकी प्रासंगिकता है। हम विकास पीड़ित हैं, वी हैव डेवलप्ड बट वी आर डेवलप्ड स्ट्रिकन, हम विकास पीड़ित हैं। गायत्री मंत्र अगर आप देखें तो ये चारों वेदों में ये मंत्र है, ये छंद है। भगवान के मदद करने का एक स्टाइल ही अलग है। मैं आपको बता दूं, अगर आप आर्थिक तकलीफ से गुजर रहे हैं तो वो कोई, आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो कोई सोने का घड़ा लेके आपको देगा नहीं। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर ला के आपको नहीं देगा। और आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो प्रमोशन का कोई लेटर ला के आपको नहीं देगा। आपको, आप यूनिवर्सिटी की परीक्षा में फेल हो रहे हैं तो कोई वो आपको गोल्ड मेडल ला के नहीं देगा। उसका तरीका यही होता है कि वो आपकी बुद्धि को सही दिशा दिखाता है। विदुर नीति में, आप लोग तो सब संस्कृतज्ञ हैं, विदुर नीति में बहुत सुंदर कहा है कि देवता किस तरह सहायता करते हैं। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्। जैसे पशुपालक होता है ना, वो मालधारी, वो उसके बहुत सारे गाय या बहुत सारी भैंसें होती है, तो वो डंडा लेके उसको डायरेक्शन देता है कि इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपाल, पशुपालक के जैसा वो रक्षण नहीं करता। यम ही तुम रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम। उसकी बुद्धि को सही दिशा में डालता है, वैसे रक्षा करता है। इसलिए ईश्वर की रक्षा जब आती है तब वो बुद्धि को संयोजित कर देता है। चाणक्य नीति की बात हो रही थी, चाणक्य नीति में भी
उन्होंने भगवान राम का उदाहरण करते हुए कहा है कि जब भगवान राम सोने वाले हिरण के पीछे दौड़ते हैं तो चाणक्य नीति में बहुत सुंदर कहा है उन्होंने कि न निर्मिता के न दृष्टपूर्वम न श्रूयते हे माया कुरंग तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि विपरीत दिशा में चलने लगती है तब विनाशकाल समझ लिया जाता है। और गीता का जब लोग कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से गीता का की शुरुआत होती है, लेकिन गीता की शुरुआत तब होती है द्वितीय अध्याय में जब अर्जुन कृष्ण से कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात्, जो कल्याणकारी है जो कल्याणकारी है जो मेरे लिए श्रेष्ठ है निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए। वहाँ से गीता की शुरुआत होती है, उसके पहले तो प्राकथन है फिर से प्रिफेस, गीता की शुरुआत वहाँ। तब कृष्ण जो कृष्ण को वो भगवान कृष्ण क्या है वो उसके जैसे हैं रसगुल्ले के जैसे, अब उनको दबाओ तो वो रस निकलेगा, तो ये कृष्ण ने अर्जुन ने उनको दबा दिया यह कह के यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, आप हमें बताइए क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है, तब गीता निश्रित होती है निकलती है कृष्ण के मुख से। तो कहने का मतलब ये है कि सद्बुद्धि सन्मार्ग यही ईश्वर कुछ देता है अगर हमें तो हमें सद्बुद्धि दिखाता है हमें सन्मार्ग देता है और वही गायत्री मंत्र है। वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक हैं, अनेक श्लोक विलुप्त हो गए मध्यकालीन युग में, अनेक श्लोक विलुप्त हो गए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गायत्री के जो 24 अक्षर हैं उसमें एक एक अक्षर से एक एक हज़ार श्लोकों का निर्माण वाल्मीकि जी ने किया था। भगवान कृष्ण के बारे में तो आप जानते ही हैं, गर्गाचार्य से उन्होंने गायत्री व्रत लिया, ततश्चलब्ध संस्कारौ द्विजत्वम प्राप्य सुव्रतौ गर्गात यदुकुलाचार्यात गायत्रम व्रतमास्तु, गायत्री के व्रत में उन्होंने वो लिया। तो ये गायत्री जो है वो सद्बुद्धि की क्या का प्रतीक है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम हम मासानाम मार्क्षिशोहम ऋतुनाम कुसुमाकर, छंदों में मैं ही गायत्री हूँ। आधुनिक युग के अनेक महानुभावों ने गायत्री का प्रतिपादन किया, उसकी साधना की। आप देखिए स्वामी सहजानंद से लेके स्वामी दयानंद, स्वामी रामतीर्थ, गांधी, टैगोर, तिलक, विनोबा, सभी ने गायत्री मंत्र के, अरविंद महर्षि रमण, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, सभी ने गायत्री साधना का प्रतिपादन किया है। गायत्री है त्रिपदा, जैसे मैंने आपको बताया तीन पदों वाली त्रिवेणी। किसकी त्रिवेणी? सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दीपे तुम्हारी ज्योति निराली, सरस्वती लक्ष्मी और काली की त्रिवेणी है। और इस त्रिवेणी में जो स्नान करता है, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, मज्जन फल पेखिए तत्काला काक हो ही पिक बकहु मराला, इस त्रिवेणी में जो स्नान करता है वो कौवा जो है वो कोयल बन जाता है, काक हो ही पिक बकहु जो बगुला होता है मराला मतलब हंस बन जाता है। तो ऐसी त्रिवेणी है। संसार में सारे दुखों का कारण तीन ही है, अज्ञान, अभाव और अशक्ति, और तीनों का निवारण गायत्री से होता है। अब एक एक करके ओम भूर्भुवस्वः से, ओम से शुरू करते हैं। ओम जो है उद्गीत, मूल ध्वनि, प्राइमोर्डियल साउंड, कॉस्मिक साउंड, कॉस्मिक साहब ने कहा ना कॉस्मिक, दिव्य नाद, डिवाइन साउंड ऐसा कहते हैं। बिग बैंग जो महाविस्फोट हुआ वो भी कुछ नहीं था बल्कि ओम का उच्चारण ही था, जब ईश्वर ने ओम का उच्चारण किया तब सृष्टि की रचना हुई। कठोपनिषद में ओम तो स्वयमेव एक बृहत विषय अस्ति, अन्य दिने दूसरे दिन उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज संक्षिप्त हम वर्णन करोमि। सूर्य, साइंटिस्ट ने खोजा है कि जो जितने भी भौगोलिक पिंड हैं सबकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, सबका एक वाइब्रेशन होता है, और सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी नासा की जो है हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, उसने भी सूर्य की फ्रिक्वेंसी, सूर्य का क्या वाइब्रेशन है उसको
मापने की कोशिश की। हमारी जो सुनने की कैपेसिटी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की है। सूर्य की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 in 5 minutes, मतलब इतना लो पिच है उसका, इतना लो पिच है। तो उन्होंने 40 दिन का सूर्य का साउंड जो है रिकॉर्डिंग किया और उसको 5 मिनट में प्ले किया तो ओम की ध्वनि सुनाई दी उनको। तो इट इज़ सॉन्ग ऑफ द सन, सूर्य भी ओम का गुंजार करता है। कठोपनिषद में एक सुंदर वर्णन आता है, जब नचिकेता यम का संवाद चल रहा है तब नचिकेता पूछते हैं यमराज से कि ब्रह्म क्या है, तो बहुत सुंदर वो वर्णन करते हैं, सर्वे वेदा यत पदम आमनंती तपांसि सर्वाणि च यत वदंती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। वो ब्रह्म क्या है, ओम ही है। एतत्तेव परम, एतत्तेव अक्षरम ब्रह्म, एतत्तेव अक्षरम परम, एतत्तेव अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महियते। ये ओम, ओम जो है वही ब्रह्म है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कह रहा है अक्षराणाम ओंकार उसमें, और एक और अन्य जगह कहा है पिता अहम अस्य जगतो धाता माता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारम, मैं ही पवित्र ओंकार हूँ। मैं एक बार जब यूके में था तो एक मेरे एनआरआई मित्र के घर गया, वो लोग काफ़ी समय से वहाँ पे बस गए थे, तो वो राम भक्त थे, तो उनके घर में राम का एक चित्र था धनुष बाण लिए हुए राम पंचायत। तो उनका लड़का जो था वो उसका पूरा वेस्टर्न कल्चर का विलेपन हो गया था उस पर। तो मैं पहुंचा तो उसने हाय 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 अंकल हाय बोला, कि फिर मेरे साथ कुछ चर्चा चलने लगी तो बोला कि अंकल यू टेल मी वन थिंग। मैं बोला क्या, तो बोला व्हाई योर गॉड्स आर वॉर मॉन्गरर्स, क्यों लड़ाई पे ही लगे रहते हैं। मैं बोला व्हाई डू यू से सो, तो बोला कि देखो राम का चित्र है वो धनुष बाण लेके क्यों हमेशा लड़ाई करते रहते हैं क्या। मतलब उनका बच्चे की मेंटालिटी, तो उसका बहुत ही सुंदर जो उसका अर्थ दिया हुआ है मुंडकोपनिषद अगर आप पढ़ें तो उसमें अंगिरा महर्षि, अंगिरा महर्षि सौनक को समझा रहे हैं प्रणव हुई धनु, प्रणव मतलब ओम, प्रणव भी बहुत सुंदर इसकी व्युत्पत्ति है, प्राण का वपु उसको कहते हैं प्रणव, प्राण का बॉडी शरीर या प्राण का रिजर्वायर, सारी दुनिया में जो प्राण है उसका एक जो वपु है वो ओम है प्रणव। तो महर्षि अंगिरा कहते हैं सौनक को प्रणव ही धनु शरो ही आत्मा, आप धनुष देखेंगे तो वो ओम आकार का होता है, प्रणव है वो धनुष है, शरो ही आत्मा, शर यानी तीर बाण वो आत्मा है। तो लक्ष्य क्या है, ब्रह्म तत्लक्षुच्यते, उसका लक्ष्य है ब्रह्म, अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत, अप्रमत्तेन वेदव्यम, मतलब जब शांति का समय है तब ओमकार और जब संघर्ष का समय है तब धनुष बाण। तो कहने का मतलब ये कि वो प्रणव, प्रणव के सृजन के साथ संहार, भगवान परशुराम का भी यही है ना, अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता ससर धनु, संघर्ष और सहयोग दोनों साथ साथ चलना चाहिए, संघर्ष इदम शास्त्रम इदम शस्त्रम शरातपि शास्त्रातपि। तो परमात्मा, आप देखिए अंग्रेजी को भी, अंग्रेजी में भी आप देखेंगे तो सारे के सारे भगवान के बारे में जो भी दिखा हुआ है वह सब में ओम से शुरू होता है, ओमनी प्रेजेंट ओम, ओमनी साइंट ओम, ओमनी पोटेंट ओम, सर्वत्र सर्वव्यापक सनातन, सर्वत्र सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान, सारे ओम से शुरू होते हैं। इवन बाइबल में या कुरान में आप देखेंगे आमेन और आमीन जो है वो शब्द, उनके रूट्स भी ओम ही हैं। भूर्भुवस्व, ये बताता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी स्थलों में, थल नभ अंतरिक्ष, सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वकालिक परमात्मा, सभी शरीरों में परमात्मा, वो परमात्मा जो सभी जगह व्याप्त है, उसकी आराधना है गायत्री मंत्र के द्वारा, जो सभी अवस्थाओं में प्रेजेंट है,
જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્ત ભૂત વર્તમાન વર્તમાન ભવિષ્ય સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણ શરીર થલ નવ અંતરિક્ષ જો સબ જગહ વ્યાપ્ત હૈ વૈસા તુલસીદાસ જીને બહુત અચ્છા કહા હૈ હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના પ્રેમ તો પ્રકટ હો હી મેં જાના ભગવાન શંકર કહેતે હૈ પાર્વતી કો હરિ વ્યાપક સર્વત્ર વહી યે બતાતા હૈ ભૂર ભુવ સ્વ ઉસકે બાદ આતા હૈ તત સંસ્કૃત મેં દો શબ્દ હૈ એતત ઓર તત ગાયત્રી મંત્ર મેં તત પે ભાર દિયા હૈ હમ એતત કી ચિંતા કરતે હૈ યે મેરા પરિવાર યે મેરા બચ્ચા યે મેરા બંગલા યે મેરી ગાડી યે મેરા પદ યે મેરી પ્રતિષ્ઠા યે મેરા બેંક બેલેન્સ યે 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 તત કો હમ ભૂલ જાતે હૈ ઇસલિયે ગાયત્રી મંત્ર તત પે ભાર દેતા હૈ તત કૌન હમ અપને દાયરે સે બહાર નિકલે તબ હમ તત કી બાત કરેંગે એતત નહીં તત વો મેરા પડોસી વો મેરા સોસાયટી મેં રહેને વાલા વો મેરા સહકર્મી વો મેરા રાજ્ય વો મેરા દેશ વો મેરા રાષ્ટ્ર વો મેરા સમાજ વો મેરા વાતાવરણ વો મેરા પર્યાવરણ વો મેરા કલ વો મેરા મરણ દિવસ વો મેરા મરણોત્તર જીવન અબ અપને અહમ કો બઢાતે જાઈએ બઢાતે જાઈએ બઢાતે બઢાતે વ્યાયામ હો જાયેગા ગાયત્રી મંત્ર કા દર્શન તત ઉસ બાત પે નિર્દેશ કો નિર્દેશિત કરતા હૈ ઉસકે બાદ આતા હૈ સવિતા તત સવિતા વૈજ્ઞાનિકો કા સૂર્ય ક્યા હૈ દેખિયે સવિતા જો હૈ યે અગેન સંસ્કૃત એટિમોલોજી આપ દેખે જો પ્રસવ કરતા હૈ વો સવિતા હોતા હૈ પ્રસવિતા સારે કે સારે હમારે સૌર મંડલ કો જન્મ દેને વાલા એક હી હૈ વો સૂર્ય હૈ અગર બ્રહ્મ કો આપ દેખના ચાહતે હૈ આપ સુબહ સૂર્ય કે દર્શન કીજીએ સાક્ષાત બ્રહ્મ હમ પૃથ્વીવાસીઓ કે લીએ અગર ભગવાન કા દર્શન કરના હૈ તો આપ સૂર્ય કે દર્શન કીજીએ ક્યોંકિ વોહી પ્રસવિતા હૈ ઉસી સે હમારી પૃથ્વી સારા કા સારા સૌર મંડલ જન્મા હૈ હમને જ્યોગ્રાફી મેં પઢા હૈ ભૂગોળ મેં કે સૂર્ય કા ટુકડા જીતના નિકલતા ગયા વો ઠંડા હુઆ તબ હમારી પૃથ્વી બની વો હમારા પૃથ્વી કભી લાવા જૈસા થા સૂર્ય કા પિંડ હૈ સૂર્ય કા અંશ હૈ ઇસ પૃથ્વી પે જો કુછ જીવન હૈ વો સારે સૂર્ય કી વજહ સે હૈ ઇસલિયે ઉસકો સવિતા કહેતે હૈ પ્રસવિતા ક્યોંકિ હમારા જન્મ ઉસકે ઉસકે થ્રુ હુઆ હૈ વૈજ્ઞાનિકો કા સૂર્ય ક્યા હૈ વો કહેતા હૈ હાઇડ્રોજન ઓર હાઇડ્રોજન નાભિકીય ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન હોતા હૈ નાભિકીય વિલય હોતા હૈ તબ જાકે એક ન્યુક્લિયર એનર્જી બનતી હૈ જો આજકલ ન્યુક્લિયર બોમ્બ્સ બનાતે હૈ હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન આયોનિક ફોર્મ મેં જબ વિલય હોતા હૈ તો હિલિયમ બનતા હૈ ઓર જબ વો ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન હોતા હૈ તો ઉસસે બહોત બડી માત્રા મેં એનર્જી કા ઉત્સર્જન હોતા હૈ તો વૈજ્ઞાનિકો કે લિયે ભૌતિક વૈજ્ઞાનિકો કે લિયે તો વો સૂર્ય હૈ લેકિન મનોવૈજ્ઞાનિકો કા સૂર્ય ક્યા હૈ દેખિયે સૂર્ય સૂર્ય જો હૈ વો ભી સુ પ્લસ ઇર ઇસ દો સંધિયો સે બના હૈ સુ મતલબ સુંદર ઓર ઇર કા સંસ્કૃત મેં મતલબ હોતા હૈ પ્રેરણા પ્રેરણા જો સુંદર પ્રેરણા દે વો સૂર્ય હૈ મેં જબ લંડન મેં થા તો મેરે કિંગ્સ કોલેજ હોસ્પિટલ કે સામને એક મોડસ્લે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ થા ઓફ સાયકેટ્રી મનોવૈજ્ઞાનિક મનોરોગો કા હોસ્પિટલ તો મેરા મિત્ર થા એક ઉસમે જો વહાં પે કામ કરતા થા તો જબ સર્દીઓ કા સમય આયા તો હમલોગ એક રેસ્ટોરન્ટ મેં ખાના ખાને ગયે તો હમ એસી બાતચીત ચલી તો ઉસમે લાગે અબ હમારા પેશન્ટ કા લોડ બઢેગા મેં બોલા ક્યું લોડ બઢેગા મતલબ વિન્ટર સ્ટાર્ટ હુઆ ના મેં બોલા વિન્ટર મેં ક્યું લોડ બઢેગા મતલબ વિન્ટર મેં સૂર્ય દિખતા નહીં હૈ ને યહાં પર તો લોગ ડિપ્રેશન મેં ચલે જાતે હૈ ડિપ્રેશન ડિપ્રેશન ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ મેં જહાં પે સૂર્ય નહીં દિખતા હૈ વો પાગલ હો જાતે હૈ યહાં પર ભી આપ દેખેંગે જબ બહોત દિનો તક બાદલ સે ઘિરા આકાશ રહેતા હૈ તો બોલતા કે મજા નથી આવતી તડકો નીકળે તો મજા આવે હૈ કે નહીં ઇટ્સ અ જનરલ ફીલિંગ સાયકોલોજિકલ ફીલિંગ ક્યોંકિ સૂર્ય સુંદર પ્રેરણા દેતા હૈ સૂર્ય ઇસલિયે ઉસે સૂર્ય કહેતે હૈ શાસ્ત્રો મેં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેતે હૈ કે મેં હી સૂર્ય હું તપામી અહમ અહમ વર્ષમ નિગૃહામી ઉત્સૃજામી ચ મેં હી સૂર્ય રૂપ મેં તપતા હું વર્ષા કરતા હું ઓર સર્જન કરતા હું તો વો સૂર્ય હૈ સવિતા સે હમે ક્યા સીખ લેની ચાહીએ સવિતા કે પાસ દો વિશેષતા હૈ એક પ્રકાશપુંજ હૈ પ્રકાશમય હૈ ઓર દૂસરા વોર્મ હૈ ગરમ હૈ હીટ તો હમે ભી પ્રકાશમય જીવન જીએ હમ ભી પ્રકાશમય જીવન જીએ જૈસે વો પ્રકાશિત કરતા હૈ
देखिए चंद्र जो है, चंद्र हम उसको देवता कहते हैं, चंद्र देवता, लेकिन वो जो स्पेस के लोग हैं वो बोलते हैं कि क्या, वो तो पिंड है, भौगोलिक पिंड है, लेकिन हमारे ऋषियों ने उसे देवता इसलिए कहा क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है, उसके पास कोई खुद का प्रकाश नहीं है, उसके पास देयर इज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट डजंट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, लेकिन कम से कम इतना काम तो करता है कि जो उसको प्रकाश मिलता है वो हम तक पहुंचाता है। उसी में ऋषियों ने देवत्व का भाव देखा चंद्र में, इसलिए चंद्र को देवता कहा। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी ज्वलंत जीवन जिए, प्रकाशमय जीवन जिए, हमारे पास जो ज्ञान है हम बांटें, लेट अस बी गाइड फॉर अदर्स। और वॉर्म्थ, वॉर्म्थ गर्म जोशी, ठंडा ना पड़े, सक्रिय रहें, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट गुजरात होता है ना हमारा, लेट अस बी वाइब्रेंट, देयर शुड बी वाइब्रेंसी इन लाइफ, सक्रियता, जागरूकता, कुछ कोई काम करने की तत्परता, काम में तन्मयता, वो गर्म जोशी, ठंडा ना हो। तो सूर्य से हम ये प्रेरणा लें, कर्मठता की प्रेरणा लें, ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा लें। वरेण्यम, वरण करने योग्य, वह परमात्मा ही वरण करने योग्य है, वह परमात्मा, क्योंकि वह सर्वगुण संपन्न है, उससे हम कुछ पा सकते हैं। वरेण्यम ये बताता है कि हम अपने जीवन में क्या वरण करना चाहिए और क्या वरण नहीं करना चाहिए। सी, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यूथ टुडे। आज के युवाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज, व्हाट शुड बी टेकन अप एंड व्हाट शुड बी रिजेक्टेड, क्या वरण करने योग्य है और क्या छोड़ देने योग्य है। वो डिस्क्रिमिनेटरी पावर, डिसर्निंग पावर इज लैकिंग इन आवर यूथ, हमारे युवाओं में वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्या लेना क्या नहीं लेना। तुलसीदास जी कहते हैं ना, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीनी करतार, संत हंस गुण पहई पय परिहरिवारी विकार, गहई पय परिहरिवारी विकार। हमें निरक्षीर विवेक, विवेक को स्थान देना पड़ेगा, क्या अपनाने योग्य है क्या छोड़ने योग्य है। वरेण्यम हमें ये सिखाता है कि क्या जीवन में उतारने योग्य है। तुलसीदास जी मंगलाचरण में कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। श्रद्धा और विश्वास किसी भी उपासना का मूल है, लेकिन जब वही श्रद्धा अंधश्रद्धा हो जाती है, जब वही विश्वास अंधविश्वास हो जाता है, वहाँ पे सारी गड़बड़ पैदा हो जाती है। हम ये भेद नहीं कर पाते कि क्या विश्वास है और क्या अंधविश्वास है, क्या श्रद्धा है क्या अंधश्रद्धा है। जब ये भेद हमें पता लग जाएगा, गायत्री मंत्र का ये वरेण्यम शब्द इस पे भार देता है कि लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। विवेक बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटरी पावर। भर्गो, भर्गो और देवस्य, भर्ग का मतलब होता है तेज, प्रकाश का जो पुंज है, रेडियंस, वो जब हम ईश्वर के उस प्रकाश पुंज को हम अपने अंदर भीतर रखते हैं तब वो दो काम करता है। भर्ग का ये भी मतलब होता है जला डालना, भून डालना, टू बर्न। वो प्रकाश पुंज हमारे अंदर क्या लाए, क्या करे, हमारे अंदर की, हमारे अंदर के कषाय कलमशों को भून डाले, हमारे अंदर रहने वाले दुर्भावनाओं को, दुर्विचारों को जला डाले, काम क्रोध मद लोभ मोह दोष जो भी है सारे उसको भून डाले। और क्या करे, देवस्य, दिव्यता जो हमारे अंदर है, दिव्यता का, दैवीय गुणों का विकास करे। भर्गो देवस्य, हमारे अंदर दैवीय गुणों का विकास हो, प्रेम करुणा सद्भावना सत्य न्याय इसका विकास हो, देवत्व का विकास हो, दिव्यता का विकास हो, हमारे आचरण में, हमारे गुण कर्म व्यवहार में दैवीय गुणों का समावेश हो, तो वो ईश्वरीय तेज, वो सविता का ईश्वरीय तेज हम अंदर धारण करें और हमारे अंदर कषाय कलमशों को जला डालें और दैवीय गुणों का विकास करें। यही गायत्री मंत्र की प्रार्थना है। और देवस्य का मतलब होता है देव बनना, देवता बनना। देव किसे कहते हैं? व्यास ऋषि ने देव का भी डेफिनेशन दिया है, संस्कृत बहुत रिच लिटरेचर है। देवः कस्मात्, देवः दानात्,
દેવઃ દીપનાથ દેવઃ દ્યોતનાથ દેવઃ દિવસાને ભવતિ સા સહ. મતલબ દેવ વો જો દાન સે, આપ દાન કરે તો આપ દેવતા હે, આપ લેતે હી રહેંગે તો આપ લેવતા હો જાયેંગે. દીપનાથ જો સ્વયં પ્રકાશિત હૈ, દ્યોતનાથ જો પ્રકાશિત ભી ઔર ઔરોં કો પ્રકાશિત કરતા હૈ, ઔર દ્યુસ્થાને ભવતિ જો અંતરિક્ષ મેં હૈ, અગ્નિર્જ્યોતિ સૂર્ય જ્યોતિ અગ્નિર્દેવતા વાતો દેવતા સૂર્ય વો જો દ્યુસ્થાને વો સબ દેવતા, તો ઉસકા ભી ડેફિનેશન હૈ દેવ કા ભી. આજકલ સારા પ્રોબ્લેમ જો હૈ દુનિયા મેં વો ઇસલિયે ઇસ વજહ સે હૈ કે મારું શું, મને શું મળે આમાંથી. લોક દાન ભી દેતે હૈ તો ઉસમે સોચતે હૈ કે ઇસમે મેરા ક્યા ફાયદા હોગા. ઇસ દુનિયા મેં સબસે બડા પ્રોબ્લેમ યહી હૈ જબ આદમી સંકીર્ણ વિચાર મેં ફંસ જાતા હૈ, મેરા ક્યા. ગવર્નમેન્ટ કે જીતને વો આતે હૈ ઉસમે હમારે હમારે યહાં પે માં કાર્ડ કી વ્યવસ્થા આજકલ હો ગઈ હૈ, માં અમૃત યોજના કી. ઉસમે વો ફોર્ચ્યુનર લેકે ઔર મર્સિડીઝ લેકે ભી માં કાર્ડ લેકે આતે હૈ લોગ. તબ દુઃખ હોતા હૈ કે હમારે દેશ કા કહાં જાયેગા, ક્યોંકી હમારે લોગો કી વૃત્તિ એસી હો ગઈ, છોટા મન હો ગયા, સંકીર્ણ મન હો ગયા, મેં ઔર મેરા સે બહાર નહીં નિકલ પા રહે. તો દેવસ્ય ઇસ ભાવ કો વ્યક્ત કરતા હૈ કે હમ દેવતા બને. ધીમા હી ઉસ તેજ કો હમ કહાં ધારણ કરેં, અપને હૃદય મેં ધારણ કરેં, ઉસ તેજ કા હમ ધ્યાન કરેં ઔર દિવ્યતા સે ઓતપ્રોત હો જાયે. ઈશ્વર કે રહેને કા એક હી સ્થાન હૈ હૃદય. ગીતા મેં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેતે મેં કહાં રહેતા હું, ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયા. શ્રીમદ ભાગવત મેં ભી વ્યાસ મુનિને લિખા હૈ કે ચત દેહાંતરે હૃદયાવકાશે પ્રાદેશ માત્રમ પુરુષમ વસંતમ. હૃદય મેં રહેતા હૈ, વો ઈશ્વર કા સ્થાન હૈ હૃદય. મંદિર મેં, મસ્જિદ મેં, ગિરજે મેં, તીર્થસ્થળ મેં તો રહેતા હોગા, લેકિન ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લેસ દેટ વેર ગોડ રિસાઇડ્સ ઇઝ આર હાર્ટ, હમારા હૃદય. ઓર કમ સે કમ હમ ઇતના તો કહે કર સકતે હૈ કે ઉસકે રહેને કી જગહ કો પવિત્ર રખે, હમારે વિચારો કો હમ પવિત્ર રખે, હમારે વિચારો કો હમ દિવ્ય રખે. તો હમારે ચિંતન કર્મ સ્વભાવ મેં દિવ્યતા આયે. ઉપનિષદ મેં બહુ સુંદર હૈ, અનોરણીયાન મહતો મહિયાન આત્મા અસજંતો નિહિતો ગુહાયામ. હૃદય ગુફા મેં રહેને વાલા ઈશ્વર હૈ. જ્યોતિષામ અપી તજ્જ્યોતિ તમસા પરમ ઉચ્યતે જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ જ્ઞાનગમ્યમ હૃદય સર્વસ્ય વિષ્ઠિતમ. હૃદય મેં રહેના વાલા ઈશ્વર કૃષ્ણ ભગવાન સ્વયં કહેતે હૈ મેં જાનને યોગી હું, લેકિન મેં રહેતા કહાં પર હું, મેં હૃદય મેં રહેતા હું. તો ઈશ્વર કો હમ અપને હૃદય મેં સ્થાન દે ઔર હમારે ચિંતન કર્મ સ્વભાવ મેં દિવ્યતા છલકે, યે હમારા લક્ષ્ય હોના ચાહીએ. હમારી વો હમારી બુદ્ધિ કો ધી યાની બુદ્ધિ કો વહ પરમાત્મા નહ, યે એક બહોત હી વિલક્ષણ કેરેક્ટરિસ્ટિક હૈ ગાયત્રી મંત્ર કા. નહ વો મેરી બાત નહીં કરતા હૈ, મમ કી બાત નહીં કરતા, વો નહ કી બાત કરતા હૈ. આપ જબ ગાયત્રી મંત્ર સે સાધના કરે તો આપ કેવલ સ્વયં કે લિયે પ્રાર્થના નહીં કર રહે હૈ, આપ સારી સૃષ્ટિ કે લિયે પ્રાર્થના કર રહે હૈ. હે ઈશ્વર હમ સબકો સદબુદ્ધિ પ્રદાન કરે. ગાયત્રી મંત્ર કી યે સબસે બડી વિશેષ, ઇસલિયે ધીસ ઇઝ ધ ક્રાઉન મંત્ર, સર્વશ્રેષ્ઠ મંત્ર. વેદો મેં ચારો વેદો મેં પાયા જાને વાલા મંત્ર સર્વશ્રેષ્ઠ મંત્ર ઇસલિયે હૈ ક્યોંકી ઇસમે નહ આતા હૈ. નહ હમ સબકા વિકાસ હો, મેં એકાકી નહીં હમ સબકા. ધિયો યો ન પ્રચોદયાત, મેં મેરા નહીં હમ ઓર હમારા. સહી દિશા પ્રદાન કરે. ઉસકો અંગ્રેજી મેં ઓમ ઓમની પ્રેઝન્ટ ઇફિલજન્ટ વી મેડિટેટ અપોન ધી કમ એન્ડ રિસાઇડ ઇન આર હાર્ટ્સ બર્ન આર રોંગ ડિઝાયર્સ એન્ડ ગાઈડ આર ઇન્ટલેક્ટ ઇન ધ રાઇટ ડિરેક્શન. યસકા અંગ્રેજી અનુવાદ હૈ. ગાયત્રી સાધના કા 5 મિનિટ મેં અપના વક્તવ્ય સમાપ્ત કર દુંગા. ગાયત્રી સાધના કે લાભ લાભ યે હોતા હૈ કે આપકે સદગુણો મેં વૃદ્ધિ હોતી હૈ, આપકા વિવેક જાગૃત હોતા હૈ, ક્યા સહી ક્યા ગલત ઉસકે બારે મેં આપકો આઈડિયા આતા હૈ, આપકા સ્વભાવ બદલતા હૈ ઓર આપકે આત્મબલ મેં વૃદ્ધિ આતી હૈ, દિવ્યતા મેં વૃદ્ધિ, સફળતા સમૃદ્ધિ મિલતી હૈ ઓર અનિષ્ટ કા નિવારણ હોતા હૈ. સમય કે અભાવ કે વજહ સે મેં ઉસકો થોડા શોર્ટ કર દેતા હું, લેકિન એક બાત મેં આપકો બતાના ચાહતા હું કે ગાયત્રી મંત્ર કા કેવલ જીવવા સે ઉચ્ચારણ નહીં હોના ચાહીએ ઉસકે સાથ, ક્યોંકિ શરીર હૈ ઓર અગર કલેવર હૈ ઓર પ્રાણ નહીં હૈ તો નિષ્પ્રાણ શરીર હૈ, વો મૃત શરીર હૈ. મંત્ર તો કેવલ
मंत्र तो केवल उसका कलेवर है, उसके अंदर भावों का प्राण आपको डालना पड़ेगा। जब भी आप गायत्री मंत्र करें तो जैसे गरुड़ प्रणाम ने कहा है ना, न देवो विद्यते काष्ठे, न पाषाणे न मृणमय, भावो ही विद्यते देवा, तस्मात भावो ही कारणम। भाव मंत्र के साथ आपका भाव, चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत ही सुंदर कहा है। वो इतने विलक्षण तपस्वी युद्ध भगवान लोग कहते हैं उनको, चैतन्य महाप्रभु को। उन्होंने वो कहते हैं नयनम गलद, भाव कैसा होना चाहिए गायत्री मंत्र करते हुए, भाव कैसा होना चाहिए, नयनम गलद अश्रुधारया। जब आप मंत्र करें तो आपका आपके आंख अश्रुधार से भीने हो जाने चाहिए, नयनम गलद अश्रुधारया, वदनम गदगद मुख प्रसन्न चित, अरुद्धया गिरा, जो वाणी है वो आपकी रुंध जाए। पुलकः हि वनिचितं वपुः कदा तव नाम गृहणे भविष्यति, मेरा ये जो रोम वाला वन है छोटा वन, वो कब पुलकित हो आपके नाम, आपका नाम लेते हुए। वैसा भाव जब होगा गायत्री मंत्र के साथ, उच्चारण के साथ, तो आपकी गायत्री साधना अवश्य सफल होगी। तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर कहा है, हिय फाटहु फूटहु नयन, जरय सो तन के ही काम, द्रवय श्रवय पुलके नहीं तुलसी सुमिरत राम। तो वैसा भाव जब आएगा तब हमारी गायत्री साधना सफल होगी। व्याख्याने यत मया उक्तम अस्ति तत्सर्वम मम गुरोः कृपा अस्ति। मा गायत्री सर्वेभ्य सद्बुद्धिं प्रददातु, सर्वेषां भविष्य उज्ज्वल भवतु, इति प्रार्थना च शुभेच्छा। एक अथर्ववेद की प्रार्थना के साथ मैं अपने वक्तव्य का अंत करूँगा। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद महोदय, वयम् उपकृताः स्मः। संप्रति द्वितीयं व्याख्यानं प्रस्थापयितुम् अहं डॉक्टर भावप्रकाश गांधी महोदयं निवेदयामि। महोदयस्य विषयः वेद और मानव प्रबंधन इति अस्ति। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानस्य संस्कृत रसास्वाद नामधेये अभूतपूर्वे कार्यक्रमे, यतो हि एषा संकल्पना अभूतपूर्वा अस्ति। संस्कृत भाषिणां कृते, संस्कृतज्ञानां कृते बहवः कार्यक्रमाः अस्माभिः प्रायः सर्वत्र आयोज्यन्ते, परन्तु संस्कृतप्रेमिणां कृते, संस्कृत अभिमानिनां कृते एतादृशः अभूतपूर्वः कार्यक्रमः प्रप्रथमं मिहिर महोदयेन आयोजितः। अस्मिन् रसास्वाद कार्यक्रमे सौभाग्येन समुपस्थिताः गुजरात साहित्य अकादम्याः अध्यक्षाः पद्मश्री डॉक्टर विष्णुभाई पंड्या महानुभावः। अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकः डॉक्टर मिहिरभाई उपाध्याय महोदयः। अस्माकं ये प्रथम वक्तारः आसन् तादृशः डॉक्टर अनिल कुमार झा महोदयः। अत्र उपस्थिताः भवन्तः सर्वेपि सरस्वती
सुरभारती समुपासकाः संस्कृताभिमानिनः संस्कृतप्रेमिणः मातरः महानुभावाः भगिन्यः भ्रातरश्च अद्य येषां प्रथमं व्याख्यानम् आसीत् एतेषां व्याख्याने संस्कृतभाषा सम्भाषणे या धारा प्रवाहिता आसीत् तां दृष्ट्वा अत्यानन्दम् अनुभवामि अस्माकं संस्कृतस्य भविष्यम् उज्ज्वलमस्ति यतः केवलं संस्कृतविषयस्य विद्यार्थिनः एव संस्कृतं न पठन्ति परन्तु अस्माकं भारतीयां संस्कृतिम् अस्माकं शास्त्राणां ये अध्येतारः सन्ति जिज्ञासवः सन्ति आध्यात्मिकं पारलौकिकं ज्ञानं च प्राप्तुं ये इच्छुकः सन्ति तादृशाः भवन्तः भवादृशः सर्वेपि संस्कृतं शिक्षितुं यथा उत्सुकाः सन्ति इमां स्थितिम् अवलोक्य मे मनः मोमुद्यते संस्कृत में वैसे व्याख्यान देने में सहजता होती है पुनरपि सभी लोगों को इस संस्कृत का रसास्वाद संस्कृत भाषा और संस्कृत शास्त्रों का रसास्वाद प्राप्त हो इस आशय से हिंदी में कुछ कहने का मैं प्रयत्न करूँगा गायत्री मंत्र के ऊपर बहुत ही सुंदर और सबको कहते हैं ना हृदय के डॉक्टर हैं तो हृदय तक पहुंचा दिया है जिन्होंने उस गायत्री मंत्र के सार को ऐसा बहुत ही सुंदर व्याख्यान सुनने को मिला मुझे तो ऐसा लगा कि कोई संस्कृत के कोई प्रकांड पंडित हों कोई संस्कृत के बहुत प्रकांड पंडित हों और उदाहरणों के द्वारा बहुत सुंदर रूप से इन्होंने गायत्री मंत्र का प्रतिपादन किया इनसे बातचीत हो रही थी तो ये भी बताना आवश्यक है क्योंकि ये दैनिक अग्निहोत्री भी हैं प्रतिदिन यज्ञ भी करते हैं और यज्ञ के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार मेरे घर में भी प्रतिदिन यज्ञ होता है हम भी यज्ञ के माध्यम से जुड़े हुए हैं इस कारण से थोड़ी विद्या प्राप्त करने का हमें भी अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि एक सामान्य रूप से सरकारी परिवार में जन्मा हुआ पिताजी सचिवालय में थे बस इन अच्छे कार्यों से न जुड़े होते तो 11 साल की उम्र में गुरुकुल पढ़ने नहीं भेज दिया होता और पढ़ने भेजा तो अकारण ही बहुत कुछ प्राप्त हुआ शायद ऐसा लग रहा है कि समुद्र है जो संस्कृत का शायद आचमन करने का तो सौभाग्य मिला है इससे ज़्यादा प्राप्त करने की हमेशा इच्छा भी रहती है शायद जन्म जन्मांतर लग जाएंगे इस संस्कृत विद्या को पढ़ने के लिए गायत्री मंत्र वेद में प्राप्त होता है मेरे विचार से तीन वेदों में इसका पाठ आता है और महाव्याहृतियों के बिना आता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् व्याहृतियाँ जिस तरह से जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसे बढ़ता है उस तरह उसके साथ उपाधियाँ भी लग जाती हैं उसी तरह गायत्री मंत्र के साथ भी यह उपाधि यहाँ जुड़ती गई और यह एक सिद्ध मंत्र के रूप में या गुरु मंत्र के रूप में यह माना जाने लगा चिकित्सा में भी इसका बहुत अच्छा विनियोग होता है चिकित्सा शास्त्र से संबद्ध है तो एक घटना इससे जुड़ी हुई याद आ गई कह देता हूँ नहीं तो रह जाएगी लंदन में जहाँ पर असाध्य रोग होते हैं उन असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है और वहाँ पर मंत्र थेरेपी यूज होती है मंत्र थेरेपी का प्रयोग होता है और नवनीत
एक पत्रिका आती है मासिक, उसमें यह लेख छपा हुआ था और लेख मैंने पढ़ा और वो हमेशा से फिर दिमाग में रह गया। और मैं भी कह लीजिए कि श्रद्धा के कारण, वेद मंत्रों में विश्वास के कारण उन मंत्रों का कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, उनका प्रयोग कर लेता हूँ रोगों को मिटाने के लिए। घर में किसी को पीड़ा हो जाती है तो 11 बार उसका उच्चारण करते हुए धीरे धीरे हाथ मैं उस जगह पर लगाता जाता हूँ, मालिश करता हूँ और लाभ भी दिखता है। अब वहाँ पर एक अथर्व वेद का मंत्र उन्होंने लिखा है कि एक अथर्व मंत्र वेद के मंत्र से चिकित्सा हो रही थी, जो असाध्य रोग जिसको शायद घुटने की पीड़ा है या तो इससे भी कोई बड़ा रोग है, उस जगह पर धीरे धीरे हाथ रखते हुए वह मंत्र का जाप कर रहे थे, अयम मे हस्तो भगवान। बहुत सुंदर मंत्र है संस्कृत, जिन्होंने थोड़ी सी भी पढ़ी होगी वो इसके अर्थ को समझ जाएगा। अयम मे हस्तो भगवान, अयम मे भगवत्तरह, अयम मे हस्तो भगवान, अयम मे भगवत्तरह, अयम मे विश्व भेषजो, अयम शिवाभिमर्षणः। इस मंत्र के द्वारा और साथ में गायत्री मंत्र के द्वारा वह चिकित्सा कर रहे थे और रोगी को अनपेक्षित रूप से, सोचा ना हो, उस तरह से उनको फायदे भी हो रहे थे। तो मंत्रों में इतना तो सामर्थ्य होता है। देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे देवग्ने भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी। ये तो हमने श्लोक सुना है कि देवताओं में, द्विज में विद्वान व्यक्ति में, तीर्थ में, मंत्र में, ज्योतिष में, ज्योतिष जानने वाले में, औषधि में और गुरु में जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, भावना होती है, उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये गायत्री मंत्र में इतना प्रभाव है, तो ये गायत्री मंत्र जहाँ से उद्धृत हैं वेद, वो हमारे लिए कितने उपकारक होंगे। और मानव प्रबंधन के रूप में अचानक 10-12 दिन पहले मिहिर जी का फोन आया कि कोई विषय आपको बोलना है वेद के ऊपर। तो अचानक कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो मैंने कहा चलो प्रबंधन के साथ जोड़ देते हैं और आप लिख लीजिए वेद और प्रबंधन, उसमें जीवन प्रबंधन लीजिए, मानव प्रबंधन ले लीजिए, आत्म प्रबंधन कुछ भी ले लीजिए। फिर उन्होंने मानव प्रबंधन ऐसा रखा। पढ़ते पढ़ते थोड़ा प्रबंधन विषय में भी पढ़ने का अवसर मिला और अभी ऐसा लग रहा है कि वेद में इतना ज़्यादा प्रबंधन के सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं, एक 300-400 पेज की बुक लिखी जा सकती है, इतना साहित्य वेद में पड़ा हुआ है प्रबंधन के विषय में। आधुनिक प्रबंध के साथ जोड़कर और उससे थोड़ा अलग हटकर लिखना इसमें पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आधुनिक प्रबंधन के विषय में का विषय नहीं है वो भी जुड़ी हुई हैं वेद के प्रबंधन में। वेदों के विषय में प्रायः आप सभी परिचित होंगे कि हमारे जो वेद हैं उसके विषय में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। एक कि वेद है वो मनुष्य कृत हैं, उसी के आधार पर वेदों का रचनाकाल निश्चित किया गया। और एक दूसरा मत है, वो है वेद अपौरुषेय हैं। भारतीय विचारधारा के अधिकांश विद्वान इस दूसरी विचारधारा से सम्मत दिखाई देते हैं। मैक्स मुलर जी ने अपने वेद के रचनाकाल के विषय में जो विचार थे उनके आधार जो कुछ थे वो 3 बार बदले और फिर लास्ट में यही कहा कि वेदों का रचनाकाल निर्धारित नहीं किया जा सकता। इतना जरूर कह सकते हैं कि वह विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ हैं,
वेद से पहले का कोई साहित्य हमें उपलब्ध नहीं हो पाता। उनकी पाश्चात्य विचारधारा के कुछ उनके आधार होते थे, उनके आधार पर उन्होंने ये स्वीकार किया, लेकिन भारतीय जो विचारधारा है वो वेद को अपौरुषेय और ईश्वरकृत मानती है। अब ऐसे ही कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम सब देखेंगे सबसे पहले कि वेद हैं वो अपौरुषेय हैं, तो वेद की रचना कब हुई होगी? जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ होगा। हमारे पुराण और अन्य शास्त्रों के काल गणना के अनुसार आज सृष्टि उत्पत्ति के कहिए या वेद के उत्पत्ति के कितने वर्ष हो गए? 1,96,08,53,120 वर्ष हो चुके हैं। ये हमारे शास्त्रों की काल गणना कहती है। उस पर ही एक पूरा व्याख्यान हो सकता है। वो वर्ष सहस्त्रम, दिव्यम वर्ष सहस्त्रम, वो दिव्य वर्ष की गणना, फिर मनवंतर, ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी की रात्रि, फिर मनवंतर, उसमें भी इस समय 28वां यह कलयुग चल रहा है, उस आधार पर गणना की है तो 1,96,08,53,120 वर्ष इस सृष्टि के उत्पत्ति को हो गए। उसी के साथ ईश्वर ने मनुष्यों को जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को किस तरह जिया जाए इसका उपदेश देने के लिए वेदों का उपदेश दिया। साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने इन चार के चार वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया, इसलिए ऋषि को मंत्रकर्ता नहीं कहा जा रहा है। क्या उसके लिए वचन है? ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। ऋषि हैं वो तो मंत्र के दृष्टा हैं, वो उसको देखने वाले हैं, उसको रचने वाले नहीं हैं। सामान्य रूप से कहेंगे कैसे मंत्र उन्होंने देख लिए? कभी कभी ऐसे भी विचार प्रबुद्ध लोगों के मन में आ जाते हैं। साक्षात अनुभव आप कर सकते हैं। आप किसी एकांत स्थल पर, प्राकृतिक रमणीय स्थल पर जाकर एक अच्छी भावना के साथ बैठेंगे और मैं कुछ काव्य बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ, आप देखिए उस समय की जो आपकी अवस्था होगी वो ऐसा लगेगा कि साक्षात सरस्वती आपके अंदर समाहित हो गई हो, साक्षात विद्या पता नहीं कहाँ से वो स्रोत हमें प्राप्त हो जाता है कि हम कुछ न कुछ लिखते जाते हैं, कुछ न कुछ अलग विचार करते जाते हैं, कुछ न कुछ काव्य निर्माण होता जाता है। जब हमारी ऐसी स्थिति हो सकती है तो वो तो पवित्र अंतःकरण वाले मंत्र दृष्टा ऋषि हो ही सकते हैं। और परमपिता परमात्मा ने इन जो चार ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चार ऋषियों के अंतःकरण में वेद का ज्ञान दिया और मनुष्य जीवन से संबंधित सभी जो व्यवहार हैं उनका भी उपदेश दिया। अब दूसरा कि किस किनके लिए दिया, ये भी प्रश्न होता है। हम तो बहुत गर्व से कहते हैं कि वेद हैं वो तो हमारे हिंदू या भारतीयों का धर्म ग्रंथ है। ये भी एक हमारी कह सकते हैं गर्व की बात तो है ही, लेकिन इससे भी थोड़ा व्यापक चिंतन करना पड़ेगा। वेद में कहीं पर भी किसी वर्ग विशेष के, किसी स्थान विशेष के, किसी काल विशेष के विशेष का वहां पर संदर्भ नहीं है, वो तो सभी के लिए है। अभी आदरणीय पंड्या सर भी कह रहे थे, पश्य देवस्य काव्यम अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। यह वेद है वो तो
इसका अंत भी नहीं होता। देवस्य पश्य काव्यम न ममारा न जीर्यति। देव के काव्य को आप देखिए, काव्य के रूप में सूर्य का भी ग्रहण किया इन्होंने, और काव्य के रूप में वेद का भी ग्रहण हो सकता है कि देव देवताओं के काव्य को आप देखिए, न ममारा, वो कभी मरता नहीं है, न जीर्यति, और कभी वह जीर्ण नहीं होता। यानी वेद है वो हमारे लिए सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक और सार्वत्रिक हैं। ये चार हम बातों को समझ लेंगे, क्योंकि वेद में ऐसा कोई वचन नहीं है जहां पर किसी स्थान का, किसी जाति का या किसी और ऐसे विशेष संदर्भ के साथ उनका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए वेद है वो भारतीयों के तो धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन हम कह सकते हैं विश्व के सभी लोगों के लिए वह धर्म ग्रंथ हैं। एक उदाहरण के साथ समझा जा सकता है। हमने कोई मोबाइल खरीदा, हमने कोई फ्रिज या एसी खरीद, अब उसके खरीदने के साथ जो दुकानदार है उसके साथ एक यूजर गाइड देता है, जिसको कहते हैं हम परिचय पुस्तिका, विवरण पुस्तिका देता है कि भाई इसमें यह मशीनरी कहाँ पर है, बटन कहाँ पर है, क्या करने से क्या होगा, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा घटेगा, वो सब विवरण वहाँ पर दिया होता है। हम वेद को कह सकते हैं वह हमारे मानव संस्कृति के यूजर गाइड हैं, के वह परिचय ग्रंथ हैं, जहाँ मनुष्यों को जीवन कैसे जीना है इस तथ्य के आधार पर, मनुष्य का जीवन के जीवन के शुरुआत से लेकर अंतिम तक जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का निरूपण वेदों में प्राप्त होता है। तो वेद है वो हमारे लिए यूजर गाइड है, इसलिए वेदों की महत्ता ज्यादा हो जाती है। अब विषय पर और आता हूं। वेदों के विषय में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लीलाभे और विद सत्तायाम। ये चार धातुओं से वेद शब्द की निष्पत्ति होती है। विदंती जानंती, विंदंती लभंते, विद्यंते भवंती, विंदंती विचारयंती, सर्वाः सत्य विद्याः यही येषु वा ते वेदाः। सभी सत्य विद्याएं जहां पर विचारी जाती हैं, जहां पर हैं, जहां से प्राप्त होती हैं और जहां से जानी जाती है, उन ग्रंथों का नाम वेद है, जिनके माध्यम से ये सब जानना, विचारना, होना और प्राप्त करना होता है, उनको वेद कहा जाता है। सायण ने भी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो अलौकिकम यो अर्थम वेदयति सवेदः। हमारे इष्ट प्राप्ति के साथ अनिष्ट परिहार, हमें जो इच्छित है पदार्थ उनकी तो प्राप्ति कराता है, लेकिन जो हमारे इच्छित पदार्थ नहीं है उनका परिहार करने का लौकिक उपाय नहीं लेकिन अलौकिक उपाय जो हमें समझाता है उसको वेद कहा जाता है। इसलिए मनु जी ने कहा है, यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञान मयो हि सः। जो कोई धर्म, जो कोई पदार्थ, जो कर्तव्य मनुस्मृति में और वेद के अतिरिक्त ग्रंथों में प्रतिपादित किए गए हैं वो सभी वेद में तो कहे गए हैं, क्योंकि वेद है वो सर्वज्ञानमय है, सर्वज्ञान उसमें निहित है। तो हम अपने जीवन से संबंधित जो पदार्थ की कामना करते हैं वह पदार्थ हमें वेद से प्राप्त हो जाता है। अब थोड़ा मैं आता हूँ प्रबंधन की ओर, और फिर वेद को मानव प्रबंधन के साथ जोड़ने का मैं प्रयत्न करता हूँ। मैंने जैसा थोड़ा विचार किया है उसके आधार पर आपके समक्ष मैं रखूँगा।
आधुनिक जो समय में प्रबंध की जो परिभाषाएं जो प्राप्त होती हैं वो उनके आधार पर वेद के साथ मैंने थोड़ा जोड़ने का प्रयत्न किया है। किसी विद्वान ने कहा है कि परिवर्तनशील पर्यावरण में, देखिए प्रबंध किसको कहते हैं, तो परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर और उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया का नाम प्रबंधन है। ये बहुत सुंदर है, ये ऐसी परिभाषा तो शायद प्रबंधन के लोग अनुसरण करते तो बहुत कुछ मानव हित भी इससे जुड़ा हो सकता था। और परिभाषाएं हमेशा आदर्श चित्र को प्रस्तुत करती हैं, ये भी सत्य है। तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पूर्वा अनुमान करना। प्रबंधन में क्या होता है, सबसे पहले अनुमान किया जाता है कहाँ हमें काम करना चाहिए। अब कच्छ में जाकर धान की खेती करना कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है, कच्छ के रण में धान की खेती नहीं हो सकती। तो पूर्वानुमान के साथ पूर्वानुमान किया जाता है, फिर उसके अनुसार योजना बनाई जाती है, योजना बनाने के बाद संगठन किया जाता है, लोगों को उसके साथ जोड़ा जाता है। मैं परिभाषा पढ़ रहा था, हेनरी फेयोल की है, नाम है लेकिन मैं उनको लेना उचित नहीं समझ रहा हूं, यहां पर कोई आवश्यकता भी नहीं है। आदेश देना, समन्वय करना और उसके साथ क्या, सबका समन्वय करना, इसी का नाम क्या है, प्रबंधन है। देखिए पूर्वानुमान करना, उसके अनुसार योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना और समन्वय करना, इसी का नाम प्रबंधन है। YouTube ये गूगल बाबा को भी सर्च करना मैंने जरूरी समझा कि देखते हैं क्या ये गूगल से क्या इनका मिलता है। तो सब जगह मैनेजमेंट के 5 जो M है वो सब जगह दिखाई दिए मुझे, और लगभग मुझे 50 जगह पर ये मैनेजमेंट के 5 M का उल्लेख हुआ, मनी, मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड। ये 5 म के आधार पर यह मैनेजमेंट चलता है। अब थोड़ा वैदिक विचारधारा को हम साथ में ले लेते हैं। अब प्रबंधन की यह आधुनिक जो पद्धति है और वैदिक जो पद्धति है उसमें कहां पर भिन्नता है उस पर थोड़ी चर्चा। मानव के अस्तित्व के साथ ही उसके विकास के लिए बहुत सारे वाद पूरे विश्व भर में प्रचलित हुए। अभी राष्ट्रवाद की बहुत सुंदर चर्चा की और उनके व्याख्यानों में राष्ट्रवाद आता ही है। ऐसे ही बहुत सारे वाद शुरुआत से आते रहे, रूस, यूरोप, सभी देशों में वाद प्रचलित हुए। ऐसे गिनती करने जाएं तो 500 वाद हो जाएंगे, लेकिन इन सबको हम एक संक्षेप रूप में लें तो ये 4 वादों में पूरा ये विभक्त है। पहला वाद है अशिक्षावाद, दूसरा वाद है वो है भौतिकवाद, तीसरा वाद है वो साम्यवाद है, और चौथा वाद है वो प्रकृतिवाद है। इन 4 वादों के अंदर ही सभी वाद समाहित हो जाते हैं, थोड़ा मोड़ा अंतर होगा लेकिन 4 वादों के अंदर ही सारे वाद आ जाएंगे। अब देखिए प्रकृति सबसे पहले आता है, वह है अशिक्षावाद। अब ये भी कोई वाद कैसा मानी, अशिक्षित जो पढ़ना कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं वो भी अपने जीवन से संतुष्ट हैं, कर लेते हैं अपना गुजारा आराम से कर लेते हैं, ऐसे लोगों का भी एक समुदाय कि हमें कोई ज्यादा करना नहीं है। लेकिन इस वाद में भी संतोष की कमी है। आप देखिए विगत 20-25 वर्षों में जो आदि जाति समूह थे जो इस वाद के थोड़े हम समर्थक मान सकते हैं उनमें खूब परिवर्तन दिखाई दे दिया। वो धन का या साधनों का उनको लालच दिया गया तो अचानक वो अपने
वाद से भटक कर फिर वो दूसरे वाद को पाने के लिए वो लालायित दिखाई दिए। तो वहां पर भी मुख्य चीज क्या है वाद में, वो है असंतोष, सुख नहीं है। दूसरा भौतिकवाद, जिससे आप सभी परिचित हैं, मनुष्य अधिकांश भौतिकवाद से ही प्रेरित होते हैं, सुख सुविधाओं के पीछे ही पूरे जीवन को वो व्यतीत करते हैं। लेकिन हम में से भी देखिए कितने बहुत ज़्यादा सुखी होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी संतोष का अभाव है। साम्यवाद है, वहाँ पर भी ऐसी स्थिति है कि जो उच्च लोग हैं वो तो भौतिकवाद का अच्छा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे जो निम्न हैं, अर्धशिक्षित हैं, वो उस स्तर तक पहुंच नहीं पाते हैं। और उनके द्वारा जो वाद खड़ा किया जाता है वो क्या होता है, साम्यवाद होता है। भाई हमारा भी सबके साथ समान व्यवहार, समान ही अधिकार हमें मिलने चाहिए। यहाँ पर भी देखिए वो जो शिक्षित हैं वो नीचे नहीं उतरना चाहते हैं, और ये अर्धशिक्षित हैं वो इतने ऊपर उठने की उनमें योग्यता भी नहीं होती। तो उस कारण से वहाँ भी असंतोष, साम्यवाद चल रहा है, सब जगह समानता देने का प्रयत्न हो रहा है, लेकिन असंतोष बढ़ता ही जा रहा है, आप देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में। और जो चौथा है वो प्रकृतिवाद है। अब प्रकृतिवाद को कौन खराब कहेगा, लेकिन असंतोष यहाँ है। अब प्रकृति को कौन उपभोग करना चाहता है, देखिए गांव वाला है ना, वो प्रकृति का उपभोग करना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसके उसका महत्व पता नहीं है। गांव में रहने वाला भी सोचता है मैं आ जाऊं शहर में, मेरा भी कोई बंगला गाड़ी मेरे पास भी हो और शांति से मैं रहूं। अब चाहता कौन है प्रकृतिवाद, जो शिक्षित बहुत ज्यादा है कि चलो भाई बहुत कुछ पा लिया, अब यहाँ सुख शांति नहीं है, चलो प्रकृति की तरफ हम मुड़ते हैं। प्रकृति तरफ मुड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कितने समय तक ऐसी मानसिकता उनके संतानों में, उनके संबंधियों में होगी, नहीं होगी, तो वहां पर भी असंतोष उत्पन्न होता है। तो इन चार वादों के मध्य में मनुष्य है वो चिंता से ग्रस्त है और सुख नहीं पा रहा है। उसको सूझ नहीं रहा है कि सही में मैं कहां जा रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो इन सब से ऊपर उठकर हमारा जो वेद है वो हमें सिखाता है, वो है वो त्यागवाद, जिसकी बात काफी नह और तत् उसमें जो त्यागवाद है ना वो वहां पर निहित था ही। तो वो त्यागवाद है, वो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है। और हमारे ये जो मानव प्रबंधन विषय है, उस मानव प्रबंधन विषय का भी मूल जो उसके मूल में भी यह त्यागवाद निहित है। आजकल का जो प्रबंधन है वो एक दूसरों से स्पर्धा करता हुआ, एक दूसरों से होड़ करता हुआ, किसी भी तरह दूसरे के पैसे आ जाए मेरे पास, किसी तरह दूसरे का कुछ भी हो, लेकिन मेरा एकमात्र मेरा भला होना चाहिए, इस सिद्धांत के ऊपर चल रहा है। अब वेद कहता है, वेद कभी नहीं कह रहा है कि आप शांति से बैठे रहिए, कुछ मत करिए, जो है उससे संतोष पाइए। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मत् जुहुराण मेनो भूयिष्ठान ते नम उक्तिम विधेम। यहाँ पर जो पहली पंक्ति है वो है अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, हे अग्नि, अग्नि स्वरूप परमात्मा, हमें आप सुपथा सुंदर मार्ग से, सच्चे मार्ग से, राये धन की प्राप्ति के लिए सुख, यहाँ पर रई शब्द है ना, इसका भी एक विशेष अर्थ होता है। जैसे हृदय की कितनी सुंदर व्याख्या और देवता की कितनी सुंदर व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की, उसी प्रकार ये जो शब्द है रई, ये भी अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ को प्रतिपादित करता है। धन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन रई क्या है, जिस धन से हमें सुख प्राप्त हो, उस सुखकारी धन का नाम क्या है,
रही है। तो हे परमपिता परमात्मा, धन की प्राप्ति के लिए, सुख देने वाले धन की प्राप्ति के लिए हमें अच्छे मार्ग से आप ले जाइए, ऐसा उपदेश देता है। त्यागवाद का जो प्रसिद्ध सिद्धांत है, वो मंत्र तो सभी के ध्यान में होगा ही, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतम समाहा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। उसके बाद कुर्वन्नेवेह कर्मा, उसके बाद ईशावास्यमिदं सर्वम्, उससे पहले वाला मंत्र, यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यहाँ पर है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, हमें भोग करना है, भोगों का उपभोग करना है, लेकिन उसका उपभोग किससे करना है, त्याग से करना है, और त्याग से जब हम उपभोग करेंगे तो कर्म हमारे में लिप्त भी नहीं होंगे। और दूसरी बात, मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, यहाँ पर भी हमें लगता है किसी के धन को मत आप उसका उसको मत हड़पो। यहाँ कस्य है वो शब्द भी देखिए, क शब्द है ना, उसके उसके कई अर्थ होते हैं, तो क का अर्थ होता है परमात्मा भी, सुख स्वरूप परमात्मा है, उसको भी क कहा जाता है। तो कस्य स्विद्धनम्, ये धन है वो किसका है, तो उस परमपिता परमात्मा का है, किसी का नहीं है। तो यह जो त्याग वाली भावना है, वो त्याग वाली भावना पर ही यह पूरा मानव प्रबंधन टिका हुआ है। हम जब यज्ञ करते हैं तब दो शब्द बोलते हैं, स्वाहा और इदन्न मम, ये दोनों शब्द भी हैं, वो त्याग भावना के ही प्रतीक हैं। सुआहा सुंदर कहा, ये भी अर्थ होता है, और स्वहा मेरा, मेरे अंदर जो कुछ अहंकार या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरा पतन कर रही हैं, मुझे गलत रास्ते पर ले जा रही है, उसको अब मैं त्याग करता हूँ, अथवा मेरा जो कमाया हुआ या मेरे द्वारा अर्जित कुछ है वो हे देवता आपको अर्पण कर रहा हूँ। और इदन्न मम, देखिए यहाँ पर भी यह मेरा नहीं है, हम तो यज्ञ करते समय लगभग इसको 12-13 बार बोलते होंगे, 15 बार बोलते होंगे। तो यह जो हमारा भारतीय संस्कृति और वेद का जो मूल सिद्धांत है वो त्यागवाद पर आश्रित है, और इसी से मानव प्रबंधन है वो उसका आधार बनता है। अब आगे चलते हैं कि मानव प्रबंधन, अब वेद के आधार पर हम देखें तो मानव प्रबंधन से जुड़े हुए दो चीज आती हैं। एक, मनुष्य वैसे जीवन प्रबंधन नाम लें तो बहुत विस्तृत हो जाएगा विषय, आत्म प्रबंधन लिए तो फिर वो आत्मा और मन बुद्धि अहंकार तक जाएगा। ऊपर दृष्टि से देखें तो मानव से जुड़ी हुई दो चीजें हैं जिनका प्रबंधन करना है, एक है शारीरिक और दूसरा है संयोगिक पदार्थों का। यास्काचार्य ने निरुक्त में जो षड्भाव विकार बताया है, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यत इति, ये जो छह जो प्रक्रिया निरंतर इस संसार में चल रही हैं उसमें वृद्धि है, उसके दो प्रकार बताए हैं, उसको इसके साथ जोड़ देते हैं। वृद्धि ही शरीरेण संयोगिकानाम अर्थानाम वा, या तो वृद्धि होती है वो शरीर से होती है या संयोगिक अर्थों से होती है। तो मानव प्रबंधन है वो इन दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है। हम उसको राष्ट्र और समाज तक नहीं ले जा रहे हैं अभी, ये सामान्य रूप से मानव प्रबंधन की एक सीमा निर्धारण करते हुए इन दोनों को मान सकते हैं। अब शरीर में क्या आएंगे, हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, यह एक शरीर का एक सामान्य स्वरूप है, और वेद इन दोनों के विकास के लिए हमें निरंतर उपदेश दे रहा है। देखिए वहां पर है, वाचम ते सुंधामी, प्राणास्ते सुंधामी, चक्षुस्ते सुंधामी, श्रोत्रम ते सुंधामी, इस तरह के मंत्र में प्रार्थना की गई है कि भाई हमारी वाणी शुद्ध बने, हमारे
घ्राण इंद्रिय शुद्ध बने, आँख, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों हमारे अच्छी तरह से रहे, और भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्षभिर यजत्राहा। हम कान से भी हमेशा भद्र वचन सुनते रहें और आँखों से हम भद्र देखते रहें। इस तरह वेदों में काफ़ी मंत्र आते हैं, ऋचम वाचम प्रबद्ध, सभी का उदाहरण एक एक पर बहुत कुछ चर्चा हो सकती है, लेकिन संक्षेप से शारीरिक वृद्धि, शारीरिक प्रबंधन से जुड़े हुए ये वेद के काफ़ी मंत्र मिलते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण वहाँ का जो मंत्र है वो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। बहुत ये मैं कह सकता हूँ कि गायत्री मंत्र के बाद और महामृत्युंजय मंत्र के बाद इस मंत्र की भी बहुत विशेषता या इसकी प्रसिद्धि काफ़ी हुई है। हे परमपिता परमात्मा, हमारे अंदर जो दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख हैं उन सबको आप दूर करिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं हमको वो प्राप्त कराइए। तो यह भावना है, वो हमारे शारीरिक वृद्धि के साथ, शारीरिक प्रबंधन के साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ हमारे अंतःकरण से भी जुड़ी हुई है। अंदर में हमारे खराब विचार ना आने चाहिए। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। तो ये एक पक्ष हो गया कि भाई शारीरिक वृद्धि या शारीरिक प्रबंधन है, उसकी आवश्यकता है मानव प्रबंधन में। और दूसरा है संयोगिकानाम अर्थानाम। अब हमारे से जुड़े हुए जो पदार्थ हैं उनका प्रबंधन। सामान्य रूप से हम देखें तो हमारे जो जुड़े हुए जो पदार्थ हैं उनमें सर्व प्रमुख हैं हमारे जो कुटुंबीजन, आत्मजन हैं, आत्मीय लोग हैं, हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब आ जाएंगे संयोगिक पदार्थों में। दूसरा आएगा धन, और तीसरा है वो है ज्ञान। इन तीन में प्रबंधन यह हमें वेद सिखाता है। कुटुंबी जनों से हमारे आसपास जो हमारे परिचित लोग हैं उनके साथ कैसा हमारा संबंध होना चाहिए, इसके लिए तो वेद भरे पड़े हैं उदाहरणों से। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षन, माँ स्वसारम उतस्वसा, सम्यंचौ सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। उसके बाद हम देखें धृते त्रिगुंहमा मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्ताम, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। इस तरह के काफ़ी मंत्र हैं जिनमें हमारी जो हमारे से जुड़े हुए जो कोई जो लोग हैं उनकी वृद्धि, उनका हमें व्यवस्थापन करना है। अब कैसे करना है देखिए, हमारे सामान्य रूप से हम घर पर रहते हैं उदाहरण के रूप में, तो हमसे जुड़े हुए कौन है, हमारे एक माता पिता हैं और हमारे पुत्र पुत्रादि हैं, तो हमें इनके बीच में प्रबंधन स्थापित करना है। हम उनका माध्यम बने कि माता पिता का भी यथावसर हम जितना हो सके उतनी उनकी सेवा करें, और पुत्र पोत्रादि को की शिक्षा का भी हम प्रबंध करते जाएं। और यही हमारा जो मानव प्रबंधन है इसका एक है। अन्यो अनुव्रतः पितुः पुत्र मात्रा भवतु सम्मना। पिता है वो पिता का जो अनुव्रत पुत्र होना चाहिए और माता के साथ उसका मन मिला हुआ होना चाहिए। इस तरह की भावना इन जो कुटुंबी जनों से संबद्ध व्यवस्थापन से हम जुड़ी हुई मान सकते हैं। दूसरी है वो धन की है। धन का व्यवस्थापन भी हमें करना पड़ता है, लेकिन वो धन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर देखिए प्रबंधन के सिद्धांतों से थोड़ा सा अलग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धन है वो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करना है। और धन के दो परिस्थिति हम देखते हैं, एक होता है आय
और दूसरी परिस्थिति है व्यय। आय है वो तो सामान्य रूप से हमारी क्या कहते हैं जो है वो है, कभी कभी उसमें कोई निश्चितता नहीं हो सकती, लेकिन व्यय में निश्चितता है हमारी, कुछ व्यय तो होना ही है, आय तो कितनी भी आए लेकिन व्यय है वो उसका सबका समान होगा। जैसे आप देखें कि पढ़ाने का पुत्र पुत्रादि को के शिक्षण की हम व्यवस्था करते हैं तो उसको भी कुछ चीज़ें हैं वो आवश्यक रूप से करनी पड़ेगी, भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा, वस्त्रादि का प्रबंध करना पड़ेगा, और क्या कहते हैं उसके आधार पर जो कुछ जुड़े हुए हैं सभी पदार्थों का प्रबंध करना पड़ता है। और वो जो 5 लाख कमाने वाला है वो भी ये प्रबंध कर रहा है, और 5,000 कमाने वाला है वो भी प्रबंध करना है। तो आय है वो तो हमारे अधीन नहीं है, लेकिन व्यय है वो हमारे अधीन है। इसकी जो शिक्षा है व्यवस्थापन, यह हमें वेद सिखाता है। देहि मे ददामि ते निमे देहि निते दधे, बहुत सारे मंत्र हैं, सभी का मैं यहाँ पर समय भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और सभी का मैं उच्चारण करना भी यहाँ पर उचित नहीं समझता हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे कि जो धन है वो आय और व्यय दोनों के रूप में हमें प्राप्त होता है। आय है वो तो हमारी जिस प्रकार की होती है वो ठीक है, लेकिन व्यय है वो तो सभी का निश्चित है, तो उसका व्यवस्थापन करना हमें वेद सिखाता है। और तीसरा है वो है ज्ञान। अब ज्ञान है उसके भी दो प्रकार हैं, एक भौतिक ज्ञान जिसको हम आजकल के शब्द में व्यावहारिक थऊ व्यावहारिकता, वो भौतिक ज्ञान है वो भी हमें प्राप्त करना है, लेकिन भौतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहना है, निःश्रेयस प्राप्त करने वाला ज्ञान भी हमें प्राप्त करना चाहिए, ऐसा वेद कहता है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, तो ये अभ्युदय और निःश्रेयस इन दोनों से युक्त ज्ञान का व्यवस्थापन करने का निर्देश हमें वेद देता है। एक बहुत सुंदर इस संदर्भ में कथा आती है। कोई एक बच्चा था, वो अपने पिताजी को तंग कर रहा था कि ऑफिस की फाइलें लेकर आए थे पिताजी, बहुत महत्वपूर्ण थी, तो आके कुछ न कुछ वो छेड़ रहा था। पिताजी को हुआ कि ये तो मानेगा नहीं, और बच्चे चंचल होते हैं, गुस्सा कर लो तो भी थोड़ी देर बाद तो फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो फिर ऐसे 2-3 बार समझाया, नहीं माना, तो उन्होंने क्या किया, भारत का एक मानचित्र था, वर्ल्ड मैप था या भारत का देख लीजिए, उसको उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया, फाड़ दिया। उसने कहा तू बहुत टैलेंटेड है ना, बहुत अपने आप को अच्छा मानता है, बच्चों को थोड़ा ऐसे प्रोत्साहन देते रहना चाहिए, प्रोत्साहन देने से वो भी एक अच्छी दिशा में वो अपने श्रम को लगाता है, तो उसको भी चैलेंज दिया, चलो एक काम करो इस मैप को तुम एकदम सही तरह से चिपका दो तो मैं मान जाऊंगा तुम ब्रिलियंट हो। बच्चा लग गया 10-15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया, लेकिन वो सेट हो ही नहीं रहा है बच्चे से, कितने भी काफ़ी टुकड़े हो गए थे तो कैसे भी सेट नहीं हो रहा था। पिताजी को आ गया मजा, चलो अच्छा हुआ कुछ समय के लिए तो बच्चे का जो है वो उपद्रव मुझे नहीं परेशान करेगा। अब बच्चा फिर प्रयत्न कर रहा है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। अब वो कहता है पिताजी मैं थक गया हूँ, मेरे से ये नहीं हो रहा है। कि कैसे नहीं हो रहा है, अभी प्रयत्न कर तू। पिताजी ऐसे ही खिड़की खोलते हैं, खिड़की खोलने के साथ ही हवा का झोंका आता है और जो टुकड़ा था वो एक तरफ बदल जाता है। अब वो बदल जाता है तो वहाँ उसको दिखाई देता है वो किसी मनुष्य का चित्र है, किसी महापुरुष का वहाँ पर वो चित्र था। उसने तो कहा चलो वो नहीं हो रहा है तो ये करके देखते हैं। तो फिर वो किसी जो मनुष्य का चित्र था उसको जोड़ना शुरू कर देता है और 10 मिनट में तो
अच्छी तरह से जोड़कर, पता है कान कहाँ है आँख कहाँ है, बिल्कुल आसानी के साथ जोड़कर उसको चिपका देता है और कहता है पापा वो तो नहीं हुआ लेकिन ये हो गया मेरे से, आप देखिए। और पापा ने कहा पीछे उलट के तो देख एक बार क्या है, तो देखता है वो, क्योंकि वो जो मानचित्र था वो भी तैयार हो गया। तो हमारी जो यात्रा है वो मानव प्रबंधन से शुरू होती है, हमें सबसे पहले मानवता अपने अंदर लानी पड़ेगी। और वेद कोई इंजीनियर बनाना, कोई डॉक्टर बनाना, कोई कोई उद्योगपति बनाने का निर्देश नहीं देता है, वह मानव बनाने का निर्देश देता है। बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, मनुर्भव जनया देव्यम जनम तंतुम तनवन रजसो भानुमनवही, इस तरह का एक मंत्र आता है ऋग्वेद में कि जीवन के ताने बाने को बुनते हुए, उस सूर्य के मार्ग को देखते हुए, उसके आधार पर अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करते हुए, हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। यहीं पर वेद है, वो हमें मानव प्रबंधन की शिक्षा प्रदान करता है। तो जो भौतिक के साथ निश्रेय, जो हम कह रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान है, उनकी प्राप्ति भी आवश्यक है। आजकल का जो समाज है वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इधर उधर दौड़ता दिखाई दे रहा है, फलस्वरूप चिंताएं हो रही हैं। और किसी न किसी तरीके से वो डॉक्टर सर हैं, फिर भी कहूँगा कि वो चिकित्सालय का रुख कर रहा है, लेकिन मनुष्य यदि अपने आप को नियंत्रित करना सीख जाए और वेद के आदेश को अनुसरना सीख जाए तो उसका कल्याण निश्चित है। और इसी तरह वेद के जो मंत्र हैं, आप देखिए पहला मंत्र देखिए और अंतिम मंत्र देखिए, वो प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को चला रहा है। यहाँ प्रबंधन में क्या है, पहले एक व्यक्ति आयोजन करता है, उसके अनुसार लोगों को जोड़ता है, लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, साथ लेकर फिर उस लक्ष्य को सिद्ध करता है। यही तो मैनेजमेंट का सिद्धांत है। मिहिर भाई हैं, उन्होंने यही सिद्धांत के अनुसार सब कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक विचार लाना, विचार तो मेरे मन में भी काफी आते हैं लेकिन योजकस तत्र दुर्लभ, योजना करना और उसका पूरा क्रियान्वयन करना काफी मुश्किल होता है। तो यह जो प्रक्रिया है वो मानव के साथ जुड़ी हुई होती है। मिहिर भाई ही काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एक प्रबंधन की विशेषता, उनका उनमें एक विशेष गुण है जिनके द्वारा सब लोग उनके साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ रहे हैं। तो वेद का जो पहला मंत्र है, आप देखिए एक ही ले लेते हैं वेद, सभी वेदों का नहीं लेंगे अभी, अग्निमेढ़ पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। यहाँ पर अग्नि की यहाँ पर उपासना करता दिख रहा है, किसके लिए, अपने आप को, अपने आप की वृद्धि के लिए, अपने आप के विकास के लिए वह अग्नि की आराधना कर रहा है। अग्नि यानी ऊर्जा, उत्साह। मनुष्य यदि कोई कार्य करना चाह रहा है, व्यवस्थापन करना चाह रहा है, तो मनुष्य होने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर उत्साह और ऊर्जा होनी चाहिए। तो वही ऊर्जा प्राप्त करते करते देखिए अंत में क्या है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते समानीव आकूति ही। हम सब जुड़े हुए हैं, क्यों, हमारे कर्म एक समान है। समाना हृदयानि वह, हमारे हृदय हैं वो एक समान है। समान वस्तु वो मनो यथा वह सुसाहसति, हमारा मन भी समान है जिस कारण से यह संपन्न हो रहा है। तो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं उनके साथ जो वैदिक मैनेजमेंट को जोड़ दिया जाए तो मनुष्य की उन्नति सर्वथा संभव है। किसी भी संस्था, किसी भी आयोजन, किसी भी कार्यक्रम, किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए चार चीजों पर हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। एक है अप्राप्त की इच्छा, जो हमारे पास नहीं है, वेद यही उपदेश देता है कि जो हमारे पास नहीं है उसके पहले, उसके लिए आप पहले इच्छा रखिए। फिर दूसरा अप्राप्त की प्राप्ति, इच्छा होगी तभी तो प्राप्ति के लिए हम अग्रसर बनेंगे। प्राप्त करने की इच्छा,
फिर प्राप्ति, इससे भी हमें संतुष्ट नहीं होना है। प्राप्त का संवर्धन, प्राप्त का हमें संवर्धन करना है, बढ़ाना है, पिछले बार से कम तो नहीं है हमारा जो कार्य है। और उसके बाद संवर्धन का संरक्षण, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी समस्या है, लेकिन उसका संरक्षण करना भी आवश्यक है। और मैनेजमेंट कहता है ये सब हो जाए तो विकिरण भी करना चाहिए, थोड़ा बांटते रहना चाहिए, मैनेजमेंट का ये भी एक सिद्धांत है। और यही वेद भी कहता है कि जो हमारे पास है, अच्छे विचार हैं, अच्छे जो हमारे पास तत्व हैं, उन तत्वों को हम बांटते चले, और लेकिन सब में स्वार्थ निहित नहीं होना चाहिए, त्याग भाव वहाँ पर समाहित होना चाहिए। इस तरह की दृष्टि से हम यदि वेद को मानव प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होता रहेगा। अनंत शास्त्र है यह, तो वेद की कथा हो सकती है, वेद की बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। यथावसर मैंने प्रयत्न किया आप लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत करने का, शायद समय मैंने शायद 5 मिनट ज़्यादा ले लिया है, तदर्थ मैं क्षमा याचना सह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद महोदय, वयम उपकृतः स्मः। कार्यक्रमस्य ऋणस्वीकाराय अहम श्रीमती भावना रावल महोदयां प्रार्थयामि। श्रीमती भावना भगिनी संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानस्य न्यासी अस्ति। सर्वेभ्यः नमस्कारः। संस्कृत भाषायाः प्रचारः इति संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानस्य अहमदाबाद संस्कृत अकादम्याः च लक्ष्यमस्ति। एतस्मिन् लक्ष्ये संस्कृत साहित्य रसास्वाद इति कार्यक्रमस्य माध्यमेन सहयोगेन कृतवत्याः संस्कृत साहित्य अकादम्याः धन्यवादः। एतस्मिन् प्रसंगे स्वकीयं अमूल्यं समयं प्रदाय अस्माकं उत्साह वर्धनाय उपस्थितानां पद्मश्री विष्णुभाई पंड्या महाभागानां वयं ऋणिनः स्मः। एतस्मिन् प्रसंगे उभयोः वक्त्रौ डॉक्टर अनिल झा महोदयस्य डॉक्टर भावप्रकाश गांधी महोदयस्य चापि वयं ऋणं स्वीकुर्मः। सुन्दरं संचालनं कर्तुं ऋषि महोदयस्य अपि धन्यवादः। प्रसंगे अस्मिन् संस्कृत साहित्य अकादम्याः महामात्रस्य डॉक्टर अजय सिंह चौहान महोदयस्य अपि संस्था पक्षतः ऋणं स्वीकुर्मः। भवताम् अपि सर्वेषां धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। धन्यवाद महोदय। वयं पूर्णमदः इति शान्तिपाठं कृत्वा अस्माकं कार्यक्रमं समापयामः। मिलित्वा वयं गायामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शुभरात्रिः।